A very good morning, all of you. We're going to be beginning the session in another 10 minutes. We're just onboarding all our speakers for the first session right now. So yeah, please stay with us. We're going to begin soon. राम कुमार यादव जी और चेन सिंह जी, आप जुड़े हैं अगर, तो आपको मैं लिंक भेज रही हूँ, प्रमोट होने का इनविटेशन भेज रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लेना।
A very good morning to all of you. Namaskar. My name is Sahana Srinath, and I'm from the Foundation for Ecological Security. On behalf of FES and all our partners, I warmly welcome all of you to the second edition of the Community Conference on Commons, a platform that we've collectively established in 2022 to celebrate community stewardship. FES और उनकी सहयोगी संस्थाओं के ओर से मैं आप सबका कॉमन्स या शामलात के इसमें इस द्वितीय सामुदायिक सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। इस मंच की स्थापना 2022 में प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक प्रबंधन को पहचानने और उसके जश्न मनाने के लिए की गई थी। वी आर इलेटेड दैट दिस ईयर हैज सीन मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस जॉइनिंग हैंड्स टू को ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस। Among them are APARD from Andhra Pradesh, Jan Chetna Sansthan from Rajasthan, Kenono Foundation from Nagaland, FIA Foundation from Jharkhand, Seba Jagat from Odisha, as well as the Indian Commoner and the Rainfed Livestock Network. Along with them, we also extend our heartfelt gratitude to all the organizations across India, Bangladesh, and Nepal, who have offered immense support in bringing our community speakers to the forefront. आप सबके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। The stars and champions of this conference, इस सम्मेलन के सितारे हमारे ग्रामीण समुदाय के सदस्य हैं। 80 community speakers from India, Bangladesh and Nepal will be joining us over the next 3 days to share their rich and diverse experiences on collective action around biodiversity, livelihoods, culture, food, and several other aspects related to commons. इस बार हमारे साथ 80 सामुदायिक सदस्य 3 देशों से अगले 3 दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे और जल, जंगल, जमीन यानी कॉमन्स से जुड़े उनके अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। तो ये कॉमन्स क्या है? ये जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधन हैं जिसके हक और प्रबंधन किसी एक के पास नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के पास होता है। दे आर रिसोर्सेस सच एज फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर एंड पास्चर लैंड्स ओन्ड एंड मैनेज्ड कलेक्टिवली बाय कम्युनिटीज। द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज आर क्लोजली इंटरट्वाइंड विद देयर कॉमन्स। ग्रामीण समुदायों के जीवन और आजीविका इन संसाधनों के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। द हेल्थ ऑफ दीज कॉमन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मिटिगेट एंड डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ द अनफोल्डिंग क्लाइमेट क्राइसिस। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन संसाधनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वी रिस्पेक्ट एंड कमेंड द एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी स्पीकर्स हुव जॉइंड अस टुडे and several others across the country and beyond who have come together against all odds to protect, conserve, and manage these natural resources so that the larger ecosystem, which includes all of us and our lifestyles, can sustain and thrive. ग्रामीण समुदायों के समर्थन से उनके आजीविका और प्राकृतिक स्वास्थ्य और मजबूत हो जाते हैं। The ingenious approaches of local communities rooted in indigenous knowledge and culture can offer simple yet innovative and path-breaking ideas to address the known and slowly unraveling aspects of the climate crisis and climate change adaptation. प्राकृतिक संसाधन को लेके ज्ञान, बुद्धि, अनुभव, रख रखाव और प्रबंधन के परंपराएं हैं। इनमें अनेक ऐसे सोच विचार हैं जो आज के तारीख में आज के समस्याओं के सामना करने में मदद कर सकते हैं। इसी ज्ञान और अनुभव को मनाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए काफी सालों से वर्ल्ड कॉमन्स वीक ने एक मंच प्रदान किया है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कॉमन्स टू सेलिब्रेट रिसर्च एंड प्रैक्टिस अराउंड कॉमन्स एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज द एशिया इवेंट विद इन द एनुअल वर्ल्ड कॉमन्स वीक। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिला है और इसे वर्ल्ड कॉमन्स वीक के तहत एशिया इवेंट के नाम से मनाया जा रहा है। इसी दिशा में एफईएस और उनके सहयोगी संस्थाओं का प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स करके एक पहल है, अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू एक्सपैंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर कॉमन्स इन द पब्लिक एंड पॉलिसी स्फीयर्स।
कॉमन्स की बात को आगे बढ़ाने के लिए उनके संरक्षक ग्रामीण समुदाय जैसे और कौन हो सकता है? Who better to take the conversation on commons forward than the communities towards themselves? This conference aims to do just that, to create a platform that enables communities to be at the forefront of discussions and conversations around climate change, natural resource management, and sustainable development. समुदाय के आवाजों को आगे लेकर ला करके उनका समृद्ध ज्ञान और अनुभवों को आप सब तक पहुंचाने की उद्देश्य को लेकर के ये सम्मेलन रचाया गया है. वी होप दैट दीज कॉन्वर्जेशन आर एनरिचिंग, इंस्पायरिंग एंड मीनिंगफुल अलॉन्ग विद बीइंग अमंग द फर्स्ट फ्यू ऑफ मेनी मोर टू कम. हम आशा करते हैं कि इस सम्मेलन में होने वाले चर्चे और अनुभवों को आदान प्रदान आपके लिए महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हो. अक्रॉस द 3 days, वी विल हैव 80 कम्युनिटी मेंबर्स स्पीकिंग ऑन थीम्स ऑफ लैंड एंड वाटर कॉमन्स, जेंडर, फूड, कल्चर, बायोडायवर्सिटी, एज वेल एज द स्ट्रगल्स दे हैव एनकाउंटर्ड इन एक्टिंग टुगेदर. एंड सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, वी हैव अ स्पेशल वेलकम नोट फ्रॉम मिस्टर चार्ली, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कॉमन्स. वी हैव अ वीडियो दैट ही सेंड टू ऑल ऑफ अस, सो वील क्विकली बी प्लेइंग द वीडियो फॉर यू जस्ट इन अ मिनट. Greetings. My name is Charlie Schweik. I'm the president of the International Association for the Study of the Commons, commonly known as IASC. As you may know, IASC is the leading professional association dedicated to the commons. Our global association is devoted to bringing together scientists, practitioners, policymakers, all for the purpose of improving the president of the International Association for the Study of the Commons. Commonly known and as creating IASC. Sustainable solutions. As you may know, commons, IASC is the leading professional association dedicated to the commons. Our global association is natural resources such as forests, water, practitioners, such as irrigation policymakers, all for the purpose of improving the president of the International Association of Advancing Understanding, sometimes called commonly known as creating sustainable data. As you may know, IASC is the leading professional association dedicated to research. Now, the primary activity of our global association is natural resources such as forests, water, practitioners, irrigation makers, all for the purpose of improving the international association of Advancing Understanding, commonly known as creating sustainable data. As you may know, IASC is the leading We had a lot of people responding that there was some echoing with the video. We're going to just replay the video quickly for all of you again.
Greetings. My name is Charlie Schweik. I'm the president of the International Association for the Study of the Commons, commonly known as IASC. As you may know, IASC is the leading professional association dedicated to the commons. Our global association is devoted to bringing together scientists, practitioners, policymakers, all for the purpose of improving the international association, advancing understanding, commonly known as creating sustainable solutions. As you may know, IASC is the leading professional association dedicated to the commons. Our global association is devoted to bringing together scientists, practitioners, such as policymakers, all for the purpose of improving president of the International Association, advancing understanding, sometimes commonly known as creating sustainable solutions. As you may know, IASC is the leading professional association dedicated to the commons. Now, the primary of the global association is natural resources, such as forests, practitioners, such as policymakers, all for the purpose of improving president of the International Association, advancing understanding, sometimes commonly known as creating sustainable solutions. My name is Charlie Schweik. I'm the president of the International Association for the Study of the Commons, commonly known as IASC. As you may know, IASC is the leading professional association dedicated to the commons. Our global association is devoted to bringing together scientists, practitioners, policymakers, all for the purpose of improving governance and management, advancing understanding, and creating sustainable solutions for commons, common pool resources, or any other form of shared resource. Often these natural resources, such as forests, water, such as irrigation systems, or fisheries. Although some in IASC also focus on what we sometimes call new commons, which are data or knowledge or even outer space. Now, the primary activity of IASC is to coordinate in-person and online conferences around commons, topics, and themes. This week begins one important such event, an event we call the World Commons Week, where we work together to draw the world's attention to the idea of commons, and we celebrate commons research and practice. And now I'm really excited, and I congratulate you for the conference you begin today, the Community Conference on Commons, Celebrating Community Stewardship, is launching our global event and representing the IASC Asia region. Now, there are other online events happening all over this week, representing other regions, including North America, Latin America, Oceania, Europe, Africa, and China. So as I close, let me just say it's heartening to witness the growing momentum around the commons and the interest in community stewardship. Your conference, with participation of community members from India, Nepal, and Bangladesh, promises to be a vibrant gathering of shared experiences, insights. I really look forward to the enriching discussions that unfold, and I extend my best wishes to all of the speakers and organizers. If you're not yet an IASC member, I encourage you to consider to become one to continue these discussions well beyond this exciting conference. Thank you so much. Thank you for your time. Enjoy your conference. Just to translate this into Hindi quickly, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इन्होंने जो बोला है वो थोड़ा सा और आसानी से समझ आए. तो ये थे चार्ली श्वेक. ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कॉमन्स, जिसको आईएएससी के नाम से भी पहचाना जाता है. और आईएएससी का बेसिक मुद्दा यही है कि वो अलग अलग लोगों को साथ में जुड़ा करके कॉमन्स या शामलात के ऊपर काम जो है उस काम को और आगे लेके जाए. और ये लोग अलग अलग रिसर्चर्स हो सकते हैं, वो कार्यकर्ता लोग हो सकते हैं, या वो नीति निर्माण करने वाले लोग हो सकते हैं, वो सरकारी लोग हो सकते हैं, और हमारे जैसे एनजीओस के लोग हो सकते हैं. उनका एक ही मुद्दा है कि वो इन सारे लोगों को साथ में ला करके कॉमन्स या शामलात का जो चर्चा है
उसको और एनरिच करे और उसको और आगे लेके जाए। और इसी मुद्दा को लेकर के उन्होंने 2018 से हर साल वर्ल्ड कॉमन्स वीक का एक जश्न मनाया है, जो हर साल इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ता है। 4 से 10 दिसंबर के बीच में ये वर्ल्ड कॉमन्स वीक हर साल मनाया जाता है। और चार्ली यही बोल रहे थे कि वो बहुत खुश है ये देख करके कि और लोग इस वर्ल्ड कॉमन्स वीक के जो चर्चाएं हैं और जो उत्सव है उसमें जुड़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का जो आइडिया है, जहाँ पे समुदाय के लोग सीधा सामने आकर के अपने बातों को अपने आप से सामने रख रहे हैं। और इस बार हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वो ना सिर्फ इंडिया के सामुदायिक संसाधनों के बारे में होगा, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल से भी लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तो वो वही बोल रहे थे कि वो बहुत खुश है कि ये जो मुद्दा है ये और जगह पे फैल रहा है और लोग इस मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। और उन्होंने सारे सामुदायिक सदस्यों को बहुत अच्छे अच्छे विशेष दिए हैं, ऑल द बेस्ट बोला है। और यही बोला है कि वो इस कॉन्फ्रेंस को भी देखने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले चर्चाओं को सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं। सो दैट वॉज आर वीडियो फ्रॉम चार्ली श्वेक। So before we move forward with this conference, we would also like to give you a quick glimpse of what our conference looked like last year. हमने ये initiative last year से शुरू किया था और last year में हमारे साथ 60 community speakers जुड़े हुए थे। So उसी को लेकर के एक छोटा सा video हमने बनाया है to give you a quick recap of what it was like last year. So stay tuned, we're just going to play the video for you. नमस्कार, आइए एक बार पिछले साल विश्व कॉमन सप्ताह के दौरान आयोजित शामलात पर सामुदायिक सम्मेलन के पहले संस्करण पर एक नजर डालें। पिछले साल के सम्मेलन में हमने देश भर से आए कॉमन्स यानी शामलात, जैसे कि जंगल, चारागाह, तालाब, नदी नाले, पहाड़ जैसे सामुदायिक संसाधनों पर काम करने वाले 60 वक्ताओं को अपने अनुभवों को साझा करते देखा। हमने सामुदायिक अगुवाओं और प्रबंधकों को 3 दिनों के दौरान 12 सत्रों में बोलते हुए सुना, जहां शामलात संसाधनों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया गया। ये सम्मेलन समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक मंच है, जिसका उद्देश्य शामलात संसाधनों और उससे जुड़े सामूहिक प्रबंधन की समझ को उन्हीं की आवाज में दर्शकों और विविध समुदायों तक पहुँचाना और उनकी क्षमताएं बढ़ाना है। पिछले साल की बातचीत में कर्नाटका में समुदाय द्वारा नीरोगंटी प्रणाली को पुनर्जीवित करने से लेकर दिल्ली के शहरी शामलात में कमी आने तक के कई विषय शामिल रहे। इसके दौरान हमने हृदय को छू जाने वाले कई क्षण भी देखे, जैसे जब राजस्थान के सामुदायिक सदस्यों ने अपने औरण यानी कि देव भूमि के बारे में एक लोकगीत साझा किया। और जब उड़ीसा के वक्ताओं ने राजस्थान से जुड़े साथियों के साथ अपने काम के बीच समानताओं के बारे में बात की। तो मैं क्यों भाई खोर खोए तो आप रोज रोज बुढ़िया काटा, रोज रोज कसीर किसी औरत ने तो खड़ो तो पेड़ी ने इलिए मैं पंचायत द्वारा ही बनवाई। उर्मिला बेहरा
ମୁଇମୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ହଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ସେଠି କେମିତି ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତ କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଳିମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୋରେ କେମିତି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଶିଖିକି ଯାଇକି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। इन तीन दिनों के सम्मेलन ने हमें आशा दी और हमने इन आवाजों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और इसीलिए हम आज कॉमन टेल्स कहानियों का संग्रह लॉन्च कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये कहानियाँ समुदायों, संगठनों और संस्थानों को हर जगह के शामलात, वहाँ के लोगों और हमारे पर्यावरण की भलाई के लिए काम करने को प्रेरित करेंगी। इस साल फिर से हम साथी संगठनों और सामुदायिक सदस्यों के सहयोग से ऐसी कई अन्य कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। 18 भारतीय राज्यों और साथ ही नेपाल और बांग्लादेश से 80 से अधिक वक्ताओं के साथ हम आपके लिए सम्मेलन का दूसरा संस्करण लेकर आए हैं। हम आपको 4 से 6 दिसंबर 2023 के दौरान शामलात पर सामुदायिक सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होने और हमारे सामुदायिक प्रतिनिधियों के अमूल्य अनुभवों को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। तो ये था हमारा छोटा सा स्नैपशॉट हमारे लास्ट ईयर के कॉन्फ्रेंस का। तो और देरी ना करते हुए Let us get on to starting with the first session of the Community Conference on Commons 2023. इसी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी आपके इस सेशन के मॉडरेटर से। इस सेशन को संदेश दुबे मॉडरेट करने वाले हैं। संदेश दुबे हमारे साथ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में काम करते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया ऑब्जर्वेटरी के साथ वो काम कर रहे हैं और वो बहुत सारे डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज को लोगों के पास लेकर जाने के लिए, उसको साझा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो है वो और लोगों के पास पहुंच पाए और उन्हीं को यूज करके लोग अपने संसाधनों को और अच्छे से रक्षा कर पाए। तो संदेश जी, वेलकम एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। थैंक यू सहाना जी, आपने मेरा अच्छा परिचय दिया। हम आज के सेशन को अब शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदेश कुमार, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और हमारे सभी पार्टनर्स की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इस डिजिटल सम्मेलन और कहें कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनजीवन और समुदायों के असाधारण प्रयासों को सामने लाना है जिनके माध्यम से सामुदायिक संसाधनों को और उपयोगी बनाया जा सका है। नए नए रचनात्मक तरीके कॉन्फ्रेंस को, श्यामलाभ को और उपयोगी रोज बनाते जा रहे हैं। आज हम समुदाय और समूह द्वारा किए गए बहुत सारे प्रयासों से जुड़ी जानकारी और कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। समूह या समुदाय जो भी कार्य ठान लेते हैं वो उसे पूरा करते हैं, तो हमारी समाज की और सभी वर्ग के क्षेत्रों की जिम्मेदारी बनती है कि उन कार्यों को सुना जाए और समझा जाए। और ये हमारा एक संगठित प्रयास है इन नई सच्ची कहानियों को कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस, इस डिजिटल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सेशन की ओर। आज हमारे पहले सेशन का विषय है लैंड एंड वाटर कॉमन्स। जी हाँ, साझा जल, साझा जमीन, साझा संसाधन। कॉमन्स को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, साझा संसाधन, सामुदायिक संसाधन, श्यामलात, अलग अलग क्षेत्रों प्रदेशों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है कॉमन्स। चाहे फिर वो घास के मैदान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वेटलैंड, दलदली जमीन हो, सभी कॉमन्स में आते हैं। ग्रामीण परिदृश्य में कॉमन्स आम आदमी के जीवन से या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हर काम में उनका कहीं ना कहीं योगदान है। जिस तरह जमीन पानी को हम पहले वेस्टलैंड कहते थे और उसे बहुत अधिक उपयोगी नहीं मानते थे, और धीरे धीरे सामुदायिक ग्रामीण प्रयासों से आज वो रिस्टोर हो गए हैं, कंजर्व होते चले जा रहे हैं और नए नए तरीके उनके कंजर्वेशन के जुड़ते जा रहे हैं और उनका उपयोग और अधिक बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो निस्तार के लिए पानी की उपलब्धता हो, पशुधन के लिए चारागाह की उपलब्धता हो, दलदली क्षेत्रों के आसपास जैव विविधता बढ़ाना और संरक्षित करना हो, या सब कॉमन्स
सब कुछ कॉमन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कॉमन्स ना सिर्फ केवल जैव विविधता बढ़ाने और संरक्षित करने में सहायक होते हैं, बल्कि कॉमन्स इतने बड़े स्तर पर हमारे लाइवलीहुड या रोजगार को भी प्रभावित करते हैं। आम जन जो ग्रामीण समुदाय से जुड़े हैं वो रोजगार के लिए भी जलाऊ लकड़ी अपने बहुत डेली रूटीन के कार्य के लिए, रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी कहना चाहिए कॉमन्स पर या शामलात पर निर्भर है। हाँ, शामलात यानी कॉमन्स को सहेजने और समुचित प्रयोग के लिए तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देती है हमारे हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय, हमारे ग्रामीण स्तर के जनजीवन के लोग। तो आइए हम चलते हैं उन सच्ची घटनाओं और नई ऊर्जा और उमंग भरने वाली कहानियों से जुड़ते हैं और सुनते हैं कि जल जंगल और जीवन को संभालने और सहेजने में उनकी यात्रा कैसी है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे पहले साथी का, जो है भैरवलाल जी धाकड़, सचिव जय शिव शंकर समिति जयनगर राजस्थान से, और वो हमें आज बताएंगे कि कैसे चारागाहों को या चारागाह को कैसे सुरक्षित और बढ़ाने के लिए उन्होंने और पूरे पूरे संगठन ने कैसे योगदान दिया है, इस विषय पे अपनी वो बात रखेंगे। तो समुदाय के इन प्रयासों और उनकी इच्छा शक्ति से मिलजुल कर किए गए चारागाहों को सुरक्षित करने के तरीकों को आज हम सुनेंगे भैरवलाल जी से। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे इस पहले सेशन में कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस के भैरवलाल जी का। भैरवलाल जी आपका स्वागत है, प्लीज जुड़िए और अपनी बात। मैं भैरवलाल धाकड़ निवासी ग्राम विकास समिति का सचिव हूँ और 350 बीघा का लमसम जहाँ मांग पीड़ो उपयोग हुआ 20 साल है, तो मतलब गांव वाला ही कोर्ट करे और पहला एक स्कीम है जिसमें भी मां कोर्ट करे उन्होंने रिपेयरिंग मांग गांव वाला ही करी और उन्हें मां का मतलब 3 साल तो मां बंद रख लो, 3 साल बंद रहा कर चौकीदार मतलब माई मिल लो जो सालाना का 14,000 रुपया देवा, आज ये साल मैंने मतलब 16,000 रुपया मां का करिया, 14,000 में कोई रिकॉर्डिंग कर बच्चे मां को वीडियो में खत्म करा एक साइड की दीवार कमजोर थी, तो ये साल मतलब 3,000 रुपया घर का और वो कोर्ट इस साल मतलब चपुट करे आगे का मतलब उजाड़ जल में उनको डब्बा खोने मग गांव का डंडा उठा डब्बा खोने तो इसे खा गई, तो मतलब वो गांव में मग कम 110 ग्राही गई 110 ग्राही और साल का मग पूरे गांव का 180 ग्राह का मतलब उठे जब मतलब पिटोग में एक बार साल में एक बार जब जिसमें मतलब आपने मतलब कोई नजावान कोई को बाहर को तो जो उसके मां 300 रुपया जान मतलब प्लेटी ले आओ पूरा की काटा देवा और टाइम शेयर हो रियो है तो शेयर वाले मुन्ना हर 300 रुपया जान मां मतलब गांव वाला का नकु मां ले आओ को नजाव इमा मां का पूरे गांव में जान मतलब वीडियो में जान पूरी समाज है जान मतलब धाकर समाज भी है तो भील भी है तो मतलब जटिया भी है अंतेली भी है मान सब कोई पूरा एक ही लोग है कोई नहीं अलग नगर मिलो जो भाई हर इमा बाती को ना मारी को पूरे गांव पे को चाल रियो 18 आलो तो मुंह करियो को दे दे जैसा बिना भी मुंह को खुद इमा मांगे वीडियो में मतलब चारों मतलब 2 मिनट में जान चारा का डंडा का खट जाओ काम काम कर दूसरी बात है अगर बच्चे मांगे उनका बेटा भी करे गोबर करे जिंदा भी मां मतलब 1500 रुपया में 2000 जो जम जाओ जिंदा मां उन्हें भी अच्छा जो उन्हें जो लेवे जो 2000 रुपया गांव में जमा करा दे को वो भी ले बच्चे मांगे अब बकरियां रहेंगी कम अब बकरियां का अब मांगे वो 3.5 रुपये का अब खीर लेकिन खीरिया की नहीं भरा हो तो ढंडा तो बकरियां तो है कौन अब बकरियां है कौन तो बच्चे मतलब का पैसा मांगे जाना बहुत कम बच्चा है आज लोग मतलब 3,000 4,000 3,000 4,000 की इनकम ही हो इस साल 4,000 5,000 की हो ही अगर दीदी को ना बुद्धि हो बच्चे मांगे उनका पिटो का मीन है 3 तो नगिया है और 1 गेबिन है और 2 इनिकट है क्या गोरी को आपने पत्रांगा हुआ वोटा दे रही क्या चेक डेम क्या मागे तो चेक डेमी क्या वोटा दे रही क्या कम कम 40 वोटा दे रही क्या और अबार बार मागे विडोग में एक लो कोई जान उसका हम जा रही है गांधी को रूंगोड़ो अत्रो जो
मतलब भेजा खीन हो मु 20 साल मुई मतलब लोको कार्य करता हूं पर 20 साल में जाने मतलब 20 साल भेजा खीन भी नो खाली भाटे दिखा हिम्मत मतलब धीरे 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 थोड़ा हो गया ना अखबार में एक दिन कोई अकेलो जान सके हिम्मत पूर भी है तो रोजड़ा भी है ना मांग गया भी जावे बार बार मांग गया बंद 2 महीने ही चला यार एक जो जो साल भर मांग जान बकरी ऊंट मतलब मीना मां बड़ गुश बनता मीना गुश बनता ही बंद कल 2 महीने के लिए मां बकरी पालन कुल्ली करा मुझे बनो बार सर्दी में पहले तो बुझा मां नीम एंड मांग नीम बुझा बंद माने बुझा तो जो जो से मांग तो मुझे कुछ जंगल तो वो पौधा तो खावे ना पौधा के तो मांग तो सुनी बात थी यार एंड रुकालो मेरे मिलियो आज भी तो वो पौधा के लिए मेल मिलियो कि भाई मतलब पौधा ही मतलब मांग बड़ा करना एंड पौधा आज भी मतलब तो का मोटा मोटा हो जाए तो किलो अंदर मीने जा सके एंड पद दूरी बाहर के का मान लो मांगे पे कहीं भी करा तो मांगे गांव में मतलब है मीना में 2 महीना में कहीं भी प्रस्ताव ले लूंगा गांव को लोका बार में तो मां गांव में 2 महीना में 3 महीना में मीटिंग कर फिर प्रस्ताव ले उन काम ने करावा मतलब का वो काम तो मैं कोर्ट के तो जाने सन 2000 मतलब ब्रांड में ड्राम ही करा दी कोर्ट में तो पर वो कोर्ट छोटी ही जो मतलब धीरे धीरे गांव वालों को जोग पाकर जो मतलब धीरे धीरे करने बड़ी कर दी कोर्ट 3:30 तो भी गांव में आज भी मतलब है रुकड़ो को एंड गए साल मतलब मांग डंडा का जर्मनी की ज्यादा शिकायत जो ये साल 16,000 में ठेको दे मजदूरान ने मुंह में 3:30 तो भी गांव में पड़ा वो डंडा खावा तो हारा अभी को ना एंड ये मतलब ट्रेज ना भी खुदा रही थी उसमें एंड इंडिकेटर वगैरह सब में मतलब मैं है बार भी पानी बारिश हुई तो पानी वो गुण थोड़ो अब इस साल बारिश का मतलब बारिश हो गुना पानी यही ना जो काम ना कर कुरान मतलब मां आज भी उन जान जान मतलब बड़ा सजा अपन पिता करे जो राखे जो राग मिले उन जाने उन पिडो हो ना 350 भी कम मत है हां मतलब यो जान को काम ना करन ना मगे चौकीदार भी जाने मतलब बारे में ना पूरा रखा लोग भी आज भी मतलब इशू आया मतलब हरियाली इतनी आ गई है कोई नहीं एंड मतलब वो देख रहे हैं मतलब मां के ज्यादा या जर्मरी वो है जर्मरी ज्यादा होगी है मतलब 5-10 साल में जो जर्मरी ने उन्होंने मतलब इस साल माफ करा दी खत्म करा दी एंड फेडरेशन का वाला में फेडरेशन भी मतलब मां का काम बढ़िया प्रियो बढ़िया प्रियो जिम मतलब इंडिकेटर भी बुनियो तो नटी भी नटी तो नुकदी पर इंडिकेटर बुनियो वो चेक डैम बनाया बांडा इना सब देखा मतलब जान मतलब पानी को कटाव जान बिल्कुल बंद है मां के देमो पानी को कटाव बंद है और फेडरेशन भी मतलब काम नहीं हूं मतलब चिंता राग न यदि मां के शोक जाए शोक मिलियो शोक मां के यदि जाए यदि मिलियो वो शोक एंड मतलब स्टाफ ने कभी भी फोन करता तो अब मतलब आपने गांव में मीटिंग रखता कहीं भी करता तो जाना आने मां को शोक कर देता जो अब मतलब ये मांग बीच बात जानो मैं पौधा तो जाने नवा सर का लगा नहीं बढ़िया खाना के बूटे कई पौधा तो जी खूब है तो मतलब वो लिए मुलिया में खेरिया ये ज्यादा हो रिया जो मैं आज गांव को जो पाजी नड़ वो या वो ही कर मतलब यूं मांग का पानी मतलब ये निकट में बारिश हो ही काल जो ये निकट में पानी हो ही पार को थोड़ा जो मतलब पानी वाणी कहीं नो जान पत्र आ बिल्कुल जान उन मां गांव वाला जान पुरुष योग कर लिया चादरों काम में बार बनाट है 2 महीना 3 महीना 2.5 महीना मगर डंडा चल रहा है और पीसा मगर उन चौकीदार ने रुकवाई दिया जो मगर डंडा पर उगावा तो भाई 25 रुपया है 50 आवे एक दूसरे पीसा साल भर कमा की टक्कर तो मतलब जो जो तेजी आ रही जो रुपाड़ा ही केरिया के मगर वो पीसा बटो जो गांव वाला बटाई बटाई बाहर के लोग भी देखने आए थे वो भी मतलब मतलब देवगढ़ में नरिया गए आए थे जो वे जो यार बिरला जी लोग ने तो अच्छा रंग रखे था यार वो भी प्रशंसा कर किया एंड कोई भी मतलब कोई टीम आए तो दिखाओ शो भी नहीं कौन है टीम आए तो दिखाओ एंड टीम तो आए तो बता दिया तो फिर आपने फिर में मतलब रोंगड़े जाने रोंगड़े काट बगल जाने बिल्कुल मन नहीं है मां गांव वाली वाड़ी तड़ी
गड़ो भी मेहनत न ले जाश कर वाड़ी तड़ी जाना गड़ो भी मेहनत ले जाश कर आय मतलब माँ को रोंगड़ा को भी जाना मतलब ज्यादा मत मैं तो माँ के जाने रोंगड़ा को ऐसे आषाढ़ी का माँ कार्तिक का चराव ठंडा 3 महीना माँ 15 का शुमशा का बिल्कुल जिम्मा वो चारों वारों मतलब थोड़ा पाक जाओ तो ज्यादा हुआ हुआ है मतलब रोंगड़ा चारों कम पड़े हुए जाने और कहीं जानकारी चाहिए तो धन्यवाद 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 भैरवलाल जी, बहुत सारी जानकारी आपने शेयर की और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी, जो भी जानकारी आपने पास्चर लैंड को सेव करने से दी, से जुड़ी दी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनल बाउंड्रीज या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू जैसे पत्थरों की दीवार हम बना देते हैं और एक एरिया को सुरक्षित करते हैं, और साथ साथ में पानी के कटाव को रोकने के लिए आपने एनीकट और अलग अलग वाटर स्ट्रक्चर्स पे काम किया, एक पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने में कैसे आपका योगदान है, फिर समिति तैयार करके कैसे समिति से जुड़े हुए सारे लोग एक्टिवली उस क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं, वहाँ अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और बाकी चीजों के लिए तैयार करते हैं ताकि वहाँ एक तरीके से योगदान मिल सके, और फिर आप जो सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड कह सकते हैं या समिति के सदस्य, उनको भी रिवॉर्ड्स आपकी तरफ से दिए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कुल मिला के एक ऐसी ऐसी एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू पूरे के पूरे पास्टलैंड को रिस्टोर किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से शेयर की गई। अब किसी किसी पैनलिस्ट का कोई अगर क्वेश्चन है, कोई हमारे अटेंडीज का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे साथी अमित भाई उनके साथ बैठे हुए हैं। अमित भाई आपका भी स्वागत है आज के इस डिजिटल कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ जो जो भैरवलाल जी ने शेयर किया थोड़ा सा आप हिंदी में और डिटेल में हमें बताएं ताकि हमारे लिए, और या इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर दें तो सभी और जो साथी अटेंडीज हैं उनके लिए भी समझना आसान हो जाएगा, और थोड़ा सीमित समय में जल्दी से आप करें तो अच्छा होगा। थैंक यू जी, धन्यवाद संदेश भाई, नमस्कार सभी को। और जैसा कि भैरवलाल जी ने काफी सरल और सुंदर शब्दों में आप तक जो पास्चर लैंड मैनेजमेंट की जो जानकारी है, किस तरीके से हम अपने चारागाह को अपने गांव के लिए, किस तरीके से जो चारागाह होता है एक्चुअली वो एक गांव का एक वाटर हाउस है ना, वो एक फूड हाउस है एनिमल्स के लिए, एक तरीके से वो पॉलिनेशन हाउस है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, एक तरीके से वो हमारा सॉइल हाउस है। तो इस तरीके से वो चारागाह जो है एक तरीके से उस गांव का या उस आसपास के क्षेत्र का जो है एक लाइफलाइन जैसा होता है। जिस तरीके से चारागाहों पे प्रेशर बढ़ रहा है और भैरूलाल जैसे लोग और हमारे समिति के लोग इन चारागाहों को सुरक्षित रखे हुए हैं और इनके विकास के लिए सोच रहे हैं, पूरे पंचायत में ही यदि देखें तो इनके गाँव के कारण एक माहौल सा बन गया है कि सभी इनके जो आसपास के गांव हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और उन लोगों ने भी अपनी जो चारागाह भूमि है समिति के माध्यम से और फेडरेशन के माध्यम से उनको समझाया गया और लगभग लगभग जो मेरी जानकारी है उस पूरी पंचायत में 1000 के आसपास जो है 1000 बीघा जो है उसके आसपास से ज्यादा जो लैंड है इन लोगों ने संरक्षित की है समिति के माध्यम से और उसपे नियम के माध्यम अपनी समिति के माध्यम से कुछ नियम बना के रखे हैं। हर समिति के अलग नियम है, उन नियमों के माध्यम से ये लोग उसका पूरा मैनेजमेंट और डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक शुरुआत इन लोगों ने की है जो पूरे ब्लॉक में और पूरे जिले में इसका विस्तार होगा। काफी एक्सपोजर विजिट्स वहां पे हुई है, जो आसपास के जो गाँव है वो वहां पे सीख के जाते हैं और अपने क्षेत्र में अपने गाँव में उस तरीके का रिप्लिकेट करते हैं और लगभग लगभग 1200 हेक्टेयर के आसपास पूरे बेगू ब्लॉक में इस तरीके से चारागाह का संरक्षण और संवर्धन का काम भैरवलाल जी जैसे हमारे कर्मठ जो सदस्य हैं समिति के उनके माध्यम से किया जा रहा है। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो उसमें और हम आंसर देना ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई ये जानकारी को पुनः हिंदी में साझा करने के लिए। हमारे साथ सहाना जी हैं जो थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन हमें ऐड करेंगे। सहाना जी,
to just quickly translate it. We're going to just quickly translate this to English as well. So Bhairulal is basically the secretary of the village institution in Jainagar, Rajasthan, which is the Jai Shiv Shankar Gram Vikas Samiti. And he was talking to us about a lot of traditional indigenous practices that the community here has upheld and promoted in order to take care of their natural resources. Some of them being fencing the pasture lands with stone walls and ensuring that they're fortified and protected, and all of this being done through voluntary community labor, which is also called Shramdan. They have strict rules and norms in place that all the community members have formulated together and collectively abide by as well. And there are sanctions of different orders to ensure that people are abiding to these collectively prepared rules, and to ensure that the resources are able to sustain and regenerate so that they're all able to use them, and also ensure the ecological health of that region. So they also have a gatekeeper whose prime responsibility is to ensure that the area within the fences are protected properly and that all rules are followed properly. And in order to ensure that the gatekeeper is rewarded in a certain sense, they generate incomes. And how do they generate these incomes? They generate it by the sale of acacia leucophyllia fruits, which again comes from their own common lands itself, which are harvested from there. And Bhairulal has been very active in mobilizing his community to ensure that these efforts are taken up and promoted. He also spoke about one of the very important interventions that they've undertaken, being the removal of invasive species such as lantana, which is a big threat to indigenous species in the region. And the communities have collectively ensured that they manage and ensure that these invasive species are removed, and that indigenous species are able to grow and thrive successfully. So he was basically telling us about the different efforts that the community has undertaken by upholding traditional indigenous practices to take care of their natural resources. Thank you. Thank you, Sahana ji. तो ये हमारा पहले सेशन के पहले स्पीकर थे भैरवलाल जी. बहुत सटीक और बहुत ऐसी कहना चाहिए फुल ऑफ एफर्ट से जुड़ी हुई जानकारी, और साथ में उनकी जितनी एफर्ट फील्ड में लगी है एक चारागाह को तैयार करने में और चारागाह को सुरक्षित करने में, वो सारी जानकारी हमसे शेयर की. हम क्वेश्चन सेशन के लिए ओपन है. Okay, just a second. Okay, so one question we have in FAQ session. If any panelist wants to take this question. अमित भाई, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं एफएक्यू सेशन में, क्यूए सेशन में, एक बार चेक करें. इसमें कोई क्वेश्चन देख ओके, तो क्वेश्चन है कि सम विलेजेस हैव नॉट द फिजिकली अवेलेबल ऑन पास्चर लैंड बट इट इज अवेलेबल ऑन पेपर. Any suggestion on how villages? Question नहीं है इसमें. Am I audible? अमित भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay. So question है कि some villages have not physically available on pasture land, but it is available on paper. Any suggestion on how the villages can get back on commons, back as commons? उनको ऐसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं वापस? जैसे काफी दबाव है कॉमन लैंड के ऊपर, और जो इंक्रोचमेंट है कि हमें दिखता तो है कि पेपर में है, और इसके लिए काफी रूल्स हैं, सर्कुलर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं या कलेक्टर हैं, उनकी तरफ से भी बार बार दिशा निर्देश जारी होते हैं. लेकिन उसके बाद भी जो है कि
हमें कई गांवों में ऐसा देखने को मिलता है जो संदेश जी कह रहे हैं कि पेपर में है लेकिन फील्ड पे नहीं है। तो इसके लिए जैसे संदेश भाई हमारे काफी अच्छे टूल्स के जानकार हैं, तो एक कॉमन लैंड मैपिंग करके एक टूल्स होता है, उसके माध्यम से हम जो है कि जितना भी है कम से कम उसको एक बार मैप कर लें और उसको गांव में हमारी गांव की जो समिति है उसके साथ शेयर करें जो भी है। तो कितना खुला हुआ है, भले थोड़ा ही हो, उसको हम मैप करें और जितना जो हमारे रिकॉर्ड में है उसको एक बार हम अपने गांव के साथ समिति के साथ जो हमारे युवा वर्ग हैं या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें मार्गदर्शन करेंगे उनके बीच हम उस बात को रखें जिससे वहीं से हमें कुछ क्लू मिलेगा, रेदर देन कि कोई बाहर से आके हमें कुछ समझाए। इससे अच्छा कि हम आपस में चर्चा करें वहां पे और एक माहौल ऐसा बनाएं और बैरूलाल जी जैसे लोगों को वहां पे बुलाएं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने गांव में अपने चारागाह को मैनेज किया है, तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा वहां पे। थैंक यू। थैंक यू अमित भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी और बहुत सारे साथियों के अलग अलग प्रयासों से कॉमन लैंड मैपिंग जिस तरीके से हम टूल को यूज करते हैं फील्ड में मैप करने के लिए, तो सबसे पहले समितियों द्वारा ही आइडेंटिफाई करना जरूरी है, समिति निर्माण जरूरी है, फिर कॉमन लैंड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, गवर्नमेंट के डिफरेंट नक्शा खसरा सब में चेक करना जरूरी है कि कहाँ पर उपलब्ध है वो, किस जगह पे है, अगर उसमें कोई अतिक्रमण है या किसी तरीके का है वो सब समझना जरूरी है। पर ये होता गाँव के अंदर ही है, उन्हीं सभी समितियों और भैरवलाल जी जैसे जागरूक कार्यकर्ता और लीडर्स को ही लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे इसी सेशन में जो दूसरे हमारे वक्ता हैं उनको हम बुलाते हैं। तो ओके, तो हमारे दूसरे वक्ता हैं जो हैं दिगंबर उपाध्याय जी। दिगंबर उपाध्याय जी सगरपल्ली से हैं और उड़ीसा से, और वो भी हमें बताएंगे एक बहुत ही ऊर्जा भरी जानकारी कि कैसे उन्होंने उन्होंने बारे हिल्स को लश ग्रीन फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म किया, कैसे कन्वर्ट किया, तो हमारे दूसरे कैसे। वक्ता हैं जो हैं दिगंबर उपाध्याय जी। दिगंबर उपाध्याय जी सगरपल्ली से हैं और उड़ीसा से, और वो भी हमें बताएंगे एक बहुत ही ऊर्जा भरी जानकारी कि कैसे उन्होंने बारे हिल्स को लश ग्रीन फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म किया, कैसे कन्वर्ट किया। तो हमारे दूसरे वक्ता हैं जो हैं दिगंबर उपाध्याय जी। दिगंबर उपाध्याय जी सगरपल्ली से हैं और उड़ीसा से, और वो भी हमें बताएंगे एक बहुत ही ऊर्जा भरी जानकारी कि कैसे उन्होंने बारे हिल्स को। ओके, बीच में कुछ व्यवधान आए, बस दिगंबर उपाध्याय जी का हम स्वागत करते हैं। साथी हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, अब वो हमसे अपनी ये स्टोरी शेयर करेंगे, एक सच्ची कहानी। तो हम अगला नाम उन अगले उनके लिए हमको उनको अनाउंस करते हैं। दिगंबर जी आइए और अपनी पटल पे अपनी बात रखिए। नमस्कार, हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग का जो कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस कॉमन से कि एक छोटा सा गांव का स्टोरी को आप लोग सिलेक्ट किए तो मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ कुछ गांव वाले भी हैं और वो लोग भी गांव से आए हैं, और मैं फर्स्टली थैंक यू सेवक कि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म मिला है एफएस का पार्टनरशिप से, मैंने सेवक के माध्यम से जो आपका जो मिला जानकारी, तो जो एक सच्ची कहानी है, मैंने करीब 25 साल का स्ट्रगल का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक कम्युनिटी मोटिवेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी एक्शन, ये तीन चीज का जो एक जुड़ाव है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप टाइटल देख रहे हैं कि मैंने सागरपाली ट्रांसफॉर्म्स बैरन हिल इनटू ए लश ग्रीन फॉरेस्ट। ये जो कहानी है ये शुरू बात इसका जो हुआ है 1975 से। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट स्लाइड जाए। नाइनटीन सेवेंटी से 1975 एक कुरला डुंगरी एक हिल है जो कि करीब करीब 121 हेक्टेयर का एक बड़ा सा हिल है, और 1965 से 1970 के बीच ये कंप्लीटली बाल हिल हुआ था, एक
माने उजड़ा हुआ जंगल जिसमें कुछ था ही नहीं, आप मेरा स्लाइड में आप देखेंगे भी, तो उसको कैसे एक कम्युनिटी ने, एक गांव का एक संगठन ने आज उसका एक जो हरा भरा फॉरेस्ट जो बनाया है उसी का ये कहानी है। और इसी कहानी के पीछे क्या इनोवेशन था, क्या स्ट्रेटेजी थी, उसी को हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो कहानी की शुरुआत हुई है 1975 में गांव में एक युवक संघ के माध्यम से, सागर युवक संघ जो इसका इनिशिएटिव शुरू किए थे, और 1993 में एक वन सुरक्षा समिति जब गठन किया गया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ उसका रजिस्ट्रेशन के बाद ये एक नया सोच, एक नया उमंग लेके आगे बढ़ा था। नेक्स्ट, कुल्ला डुंगरी जो हिल जो एक कंप्लीटली बाढ़ हिल था उसका नेक्स्ट स्लाइड में आप फोटो भी देख सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लाइड चेंज हो। ये हम लोग का प्रेजेंटेशन का फुल स्टोरी है। दो फोटो है आप देख सकते हैं एक ही हिल का, एक 1985 का फिगर है जो बहुत पुरानी फिगर है और एक 2022 का फिगर है। तो कुछ था ही नहीं उस जंगल में, उस पहाड़ी में, ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और जिसमें करीब करीब 12 गांव के लोग डिपेंड करते हैं, और 12 गांव के लोग जो डिपेंड करते हैं हर दिन उनका रोजमर्रा का जिंदगी के लिए फॉरेस्ट के ऊपर जो लोग डिपेंड करते हैं, ये उन्हीं का एक सोच था और इस सोच को अंजाम दिया है। एक छोटा सा कस्बा जो कि एक रेवेन्यू विलेज भी नहीं है, सागर पाली, 130 हाउस होल्ड का समाहार है सागर पाली, और उस गांव ने आज ये जो हरा भरा जंगल बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ जो इनोवेटिव स्टेप है उसको इनोवेटिव नहीं बोलेंगे, ये हम लोग का ट्रेडिशनल स्टेप है। तो जो सीक्रेट है ये जो हरा भरा जंगल बनाने की, उसके पीछे जो सबसे प्रमुख योगदान है वो है श्रमदान और मुट्ठी धनम। श्रमदान सब जानते हैं कि श्रमदान में हम लोग मैंने बहुत चीज कर सकते हैं, और ये जो स्टोरी के पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो ये है कि गवर्नमेंट के साथ मिल के ये लोग काम किए हैं और गवर्नमेंट का फंड को ये लोग माने उतना आसान नहीं किए हैं, गवर्नमेंट का फंड आए या न आए ये लोग अपना काम करते गए हैं जिसका परिणाम स्वरूप आज ही है। तो श्रमदान में ये लोग बहुत सारा चीज माने शुरू किए हैं, जैसे 130 फैमिली है गाँव में, तो हर फैमिली एक एक माने बरगद और आपका माने बनियान और पीपल का ट्री लगाए हैं और लाइफ टाइम तक उसका प्रोटेक्शन का लोग लिखित एग्रीमेंट भी किए हैं। दूसरा जो पिक्चर आप देखते होंगे कि माने कुछ महिलाएं गांव के वो लोग कुछ पेडी कलेक्शन कर रहे हैं। 1985 से ये सिस्टम शुरू हुआ है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक कॉर्पस फंड जो कि विलेज लेवल में डेवलप किया गया, गवर्नमेंट का कुछ फंड आए ना आए, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट किए ना किए, वीकली ये लोग हर परिवार का जो जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से वो लोग एक मुठा दो मुठा वो लोग पेडी कलेक्शन करते हैं और उसको एक जगह में जमा करते हैं जिसको वो लोग ज्वाइंट अकाउंट में गांव का जो दो लोग हैं उन्हीं के नाम से उसका जो पैसा होता है वो लोग उसको जमा करते हैं और उसी में से वो लोग अपना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो पहला स्टेप शुरू किए थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये सबसे पुरानी सिस्टम है, जहां भी हम लोग का कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग बात करते हैं तो ठेंगापाली इट मींस टू रोटेशन ऑफ स्टिक टू एवरी हाउस होल्ड। ये एक रोटेशन बेसिस में मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो संदेश देता है, इसमें गांव वालों को इन्वॉल्व करता है कि हम लोग अपना जंगल को खुद कैसे प्रोटेक्ट करें। आप देखते हो कि मैंने एक घर के सामने में ऐसा स्टिक रखा जाता है और गांव का हर दो फैमिली उसका नेक्स्ट डे जाके उनका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वो लोग मैंने पूरा एंटायर जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये जो सिस्टम है 1985 से आज तक करीब 40 ईयर्स हो गया सागर पाली मैंने गांव में वो चीज मैंने अभी भी जीवित है जिसका फलस्वरूप आज जो हरा भरा
जो पहाड़ी आप देख रहे हैं कुल्ला डुंगरी का, ये उसी का भी एक ठो वरदान है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं बोल रहा था कि श्रमदान उनका और एक बड़ा स्ट्रेटेजी था अपना जंगल को बचाने के लिए। तो बहुत सारा चीज होता है कि मैंने हम लोग मैंने कोई डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैंने फंड रहेगा तो हम लोग काम करेंगे। तो उस एरिया में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक मैंने बड़ा चैलेंज था कि वाइल्ड लाइफ का भी कैसे प्रोटेक्शन हो और हम लोग रीजनरेशन को कैसे बढ़ावा। तो उसके लिए सबसे मैंने मेन था कि हम लोग ग्रेजिंग को मैंने बंद करना चाहते थे और उसी के लिए कुछ कैटल प्रूफ ट्रेंच श्रमदान के माध्यम से वो बना गया। करीब करीब 5 किलोमीटर गांव वाले खुद श्रमदान करके वो कैटल प्रूफ ट्रेंच बनाया है, जिसको आप पिक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। और जंगल जो डिग्रेड होता है उसका उसके पीछे सबसे मेन कारण होता है फायर। तो क्योंकि ये एरिया हम लोग का पेडी प्रोन एरिया है, 99% लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो पेडी ऑक्यूपेशन है। तो पेडी फील्ड से जो फायर जाता है वो जंगल को बर्बाद कर देता है, वो मैंने फॉरेस्ट फायर का मैनेज होता है। तो उसी के लिए गांव वाले अपना फायर लाइन वो लोग मैंने बनाए हैं ताकि जो भी मैंने फायर आए उसमें वो चेक हो जाए और जंगल की तरफ मत बढ़े। नेक्स्ट। फॉरेस्ट फायर के लिए यूथ लोगों को संगठित किया है सागरपाली वन सुरक्षा समिति। हर दिन जब जनवरी से शुरू होता है मैंने महोबा अभियान का सीजन, तो मैंने उसी टाइम से मैंने फॉरेस्ट फायर का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग का जनरली जो पेडी हार्वेस्टिंग होता है वो आपका दिसंबर तक खत्म हो जाता है और जनवरी से जब जमीन सूखने लगता है तो ज्यादातर मैंने पेडी फील्ड फायर का रिस्क रहता है। दूसरा कारण है कि सागरपाली के बगल में है, करीब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस में है नेशनल हाईवे और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में है एक बड़ा सा माइनिंग एरिया NTPC दर्लीपाली। तो उसमें जो लोग माइग्रेट होकर आते हैं, जो लोग लेबर होते हैं, तो किसी का बुरा आदत की वजह से कोई सिगरेट पी दिया, कोई बीड़ी पी दिया और उसको फेंक दिया, तो वो भी मैंने एक तो मैंने मेन कारण होता है कि मैंने आपका पेडी फील्ड से फॉरेस्ट फायर को मैंने ही करने के लिए। तो उसी को रोकने के लिए, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टीम बनाया गया है यूथ लोगों का। और उस गांव का एक परंपरा है कि जो भी यूथ क्लास 10 का एग्जाम देके आएगा वो बाउंडली फॉरेस्ट फायर ब्रिगेड में वो शामिल हो। ये मैंने अनोखी परंपरा है जो कि शायद ही कहीं पर हो और सिर्फ ये गांव में ही सीमित नहीं है। ये जो फायर ब्रिगेड जो है ये नाइबरिंग विलेज में मैंने 12 गांव में भी ये लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं और हर गांव में ये लोग मैंने फायर ब्रिगेड मैंने बनाने का काम में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टाइप। जंगल बचाने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ता है, जैसे महिलाओं का जुड़ाव उसमें होना चाहिए, कुछ अलग वैरायटी का मैं कुछ काम करना चाहिए। तो उसमें हम लोग एक नया काम किए हैं कि जितना भी हम लोग का फॉरेस्ट एरिया है उसके चारों तरफ हम लोग पाम प्लांटेशन किए हैं, जो कि ये लाइटनिंग प्रोन जोन है और जो कि सोर्स के हिसाब से जो जानकारी मिली है कि पाम ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि लाइटनिंग को जो बिजली को रोकने में मदद करती है। तो इसी के लिए गांव के चारों तरफ जंगल के चारों तरफ करीब करीब 1000 पाम ट्री गांव वाले श्रमदान करके उसको प्लांट किए हैं। नेक्स्ट। जंगल डिग्रेड होने का सबसे बड़ा कारण है कि डेली टू डेली जो नीड होता है। तो सागरपाली गांव को हम लोग फायर टू सॉरी हमारा हम लोग का जो लकड़ी फ्री गांव जो बनाया है कि मैंने उनका फ्यूल के लिए लोग लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर घर में LPG सिलेंडर है, काव डम टाइप जो मैंने उसको हम लोग का लोकल लैंग्वेज में गोबर गैस बोलते हैं, तो उसका मैंने लोग यूज कर रहे हैं। कुछ स्मोकलेस चूल्हा हम लोग मैंने दिए हैं और कुछ लोगों को इंडक्शन हीटर वो लोग अपना जो मैंने जेलों का थोड़ा स्टैंडर्ड है वो लोग अपना इंडक्शन हीटर यूज कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये जब से NGO सेवक वहां पर इंटरवेंशन किया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट था जो कि JFM मोड में मैंने हम लोग का शुरू हुआ था, हम लोग का OFSDP2 ओडिशा फॉरेस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट Phase 2। तो उसी में ये कन्वर्जेंस के माध्यम से 110
परिवार को ये एलपीजी सिलेंडर मिला है और 10 परिवार को हम लोग स्मोकलेस चूल्हा प्रोवाइड किए हैं और 10 परिवार को उनका गोबर गैस और इंडक्शन हीटर के लिए हम लोग मोटिवेट किए हैं, जो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, इस एरिया का सबसे एक प्रमुख जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो है महुआ फ्लावर। महुआ फ्लावर करीब करीब 99% लोगों का सेकेंडरी लाइवलीहुड ऑप्शन है, माने पेड़ी के बाद वो लोग डिपेंड करते हैं कि माने महुआ फ्लावर के ऊपर। और जितना भी फॉरेस्ट फायर होता है उसका 90% कॉज महुआ फ्लावर से ही होता है, क्योंकि अनकंट्रोल जो माने बर्निंग होता है महुआ पेड़ के नीचे वो मेनली धीरे धीरे करके वो फॉरेस्ट में जाता है और माने बहुत बड़ा वो फायर इंसिडेंट का कारण करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूस मोटिवेशन कर रहे हैं कि कंट्रोल बर्निंग हो, खुद खड़ा होके एक गड्ढा खोद के उसका हमारे बर्निंग के लिए ये प्लान किया गया है। इसी का ये पिक्चर हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक अनोखी परंपरा सागरपाली शुरू किया है कि ये लास्ट 4 ईयर से ये सेवक का मोटिवेशन से वृक्ष रक्षा बंधन एक इनोवेटिव आइडिया है कि वो लोग जो जो नया ट्री प्लांट किए हैं सब ट्री को गांव का हर घर का एक एक महिला अपना भाई को राखी बांधने से पहले पेड़ को राखी बांधते हैं। और ये परंपरा कंटिन्यूस 4 ईयर से चल के आ रहा है और आशा है और 4 ईयर में आप ट्री का ग्रोथ भी देख सकते हैं कि मैंने करीब करीब सब ट्री का ग्रोथ 6 फीट से 7 फीट तक हो गया है। तो ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट है कि मैंने भाई और बहन के बीच में जो रिश्ता होता है वो लोगों और ट्री के बीच में भी हो, ताकि हम लोग का एनवायरमेंट सुरक्षित रहे, हम लोग का पेड़ सुरक्षित रहे और हम लोग का जंगल सुरक्षित रहे। नेक्स्ट, जंगल कटने का जो हमने इतना दिन तक जो काम किया है उसमें जो मालूम चला कि जंगल कटने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास कुछ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन नहीं था। उसी के लिए सेवक के साथ मिलके सागरपाली डीएसएस मैंने बहुत सारा वहां पर मैंने हम लोग का इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया है। बी कीपिंग हो गया, मिलेट कल्टिवेशन हो गया, मशरूम कल्टिवेशन हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया। तो जब उसी में जब लोग एंगेज रहेंगे तो जंगल के ऊपर डिपेंडेंसी कमेगा, जो कि आज उसका रिजल्ट भी हम लोग को मिला है। ये करीब करीब 5-10 साल का हम लोग का जो मैंने कंटिन्यूस जो प्रयास था कि हम लोग लोगों को मैंने दूसरा कुछ लाइवलीहुड ऑप्शन में हम लोग उनको एंगेज करेंगे और उसका नतीजा ये है कि आज गांव में केवल महिला 34 महिला हम लोग का डायरी फार्मिंग में वो लोग अपना अपने आप को सस्टेन कर चुके हैं। करीब 20 महिला वर्मी कंपोस्ट बना के लाख रुपीस वो लोग कमा रहे हैं। करीब 10 महिला बी कीपिंग करके अपना लाइफ सस्टेन किए हैं और करीब 22 महिला मिलेट कल्टीवेशन करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। डायरी फार्मिंग और हम लोग इसको एक साइकिल में इसको काम करते हैं कि जैसे पेडीफिल का जो स्ट्रॉ होता है वो मेनली माने पेडीफिल फायर का जो कारण होता है, तो पेडीफिल का जो स्ट्रॉ होता है उसको हम लोग यूज किए हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए और मशरूम कल्टीवेशन का जो वेस्ट है उसको हम लोग यूज किए हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए। और वर्मी कंपोस्ट में डायरी फार्मिंग करके वर्मी कंपोस्ट जो डायरी फार्मिंग सॉरी जो काव का जो काव डंग है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट में यूज किए हैं और उसी वर्मी कंपोस्ट को हम लोग पेडीफिल में फिर रिसाइकिल करके उसको यूज किए हैं, ताकि एक साइकिल मेंटेन हो और लोगों को मैंने एक ऑर्गेनिक क्रॉप भी मिले उसके साथ फॉरेस्ट भी मैंने प्रोटेक्ट की। यही मेरा प्रेजेंटेशन था, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर टाइम है तो गांव का कुछ आए हैं कुछ बंधु तो वो लोग मैंने अपना भाषा में एक दो सब बोलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था, ये जरूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, जोहार सभी को। जी प्लीज। मेरा नाम देवानंद है, पुरला डुंगरी जबकि जंगल के हमें लोंडा पहाड़ थिला सेटा के हमें गांव वाला समय ठेगा पाली करी टा देखा दो के करी आउत नु आउ हमर इति मुख्य काम अछे
आमर जंगल सुरक्षा लगी आमर पुला डुंगरे चारिपाखी आम ताल गज पिपिल गज बरगज एडे जोगे आम जदि पाखी के जुए लगला कि आम चारिपाखी जेन बारटा गाँ अच्छे बारटा गाँ के जी कैंसी जी जुए नि लगी जाऊे कहले आम आम 22-23 जन पिला आसन कंटिन्यू से जाकर सेटा के लिभालुभी करुछ आम गाँव रे मिसिक काम करुछ एंटी आम पहाड़ कुला चारिपाखे आम कैटल खुलीछ आई थी आम गाँव समस्ते खुशी हो अच्छा ठेगा पाली चलीचे आम चलीचे आम साप्ताहिक आम मुठी कलेक्शन करुचु जे जी जेनता कैटेगरी अच्छा से हिसाब से आमके दौते कर सहयोग कर चलते लगे आम गाँव रे खुशी है आम ये लंडा पाखे के आम सुंदर से जंगल को तैयारी कर धन्यवाद मैं थोड़ा सा कुछ मैंने हिंदी में बोल दो ओके बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर जी थोड़ा सा दिगंबर जी से अपेक्षा है कि थोड़ा सा हिंदी में इस जानकारी को और शेयर करें बाकी सभी लोगों के लिए देवानंद जी से बोल रहे थे कि मैंने जो जैसे मेरा था प्रेजेंटेशन में कि गांव वाले का एक जुनून था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का क्योंकि उनका जो सिर्फ एकलौता सहारा था मैंने करीब 30-35 साल पहले वो जंगल जंगल के चारों तरफ मैंने पूरा वो एक बाल हिल हो गया था और उसमें उनका सिर्फ लाइवलीहुड का बात नहीं था उनका एक अलग खिंचाव था ट्रेडिशनल उनका था कि उसमें उन लोग का कुछ पूजा पाठ भी करते थे उन लोग अपना भगवान मानते थे तो जबकि वो मैंने जब डिग्रेड हो गया तो उसके बाद वो लोग सोचने लगे कि हम लोग क्या करेंगे तो उसके लिए मैं जैसा अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि 2-3 स्ट्रेटेजी वो लोग लिए थे कि ठेंगा पाली किए मुठी धान कलेक्शन किए वो लोग मैंने किसी के ऊपर डिपेंड ना करके अपना एक तो मैंने कर्पस फंड जनरेट किए और उसके बाद उसमें वो लोग मैंने ठेंगा पाली के माध्यम से तो हो रहा था प्लस उसमें वो लोग क्या कुछ कुछ एक्सपेंसेस करके वो लोग अपना फेंसिंग किए नया पेड़ लगाए और उसी का परिणाम सब आज ये है और एक महिला हम लोग के साथ है मैंने गाँव की उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा दो शब्द वो भी बोले नमस्कार मोर ना भारती पटेल सागरपाली गाँव आम गाँव रे 4 है सेवक संस्थार सहयोग रे आम सब गच्छ मान को राखी बांधी आसुछ आम सजी मान विभिन्न प्रकार काम करी एक निजे रोजगार करी पारु छु जेनटा कि आम पूर्वे केवल हाउस वाइफ रही रही जाइलु एखन आम कि रोजगार करी आम परिवार के आम सहयोग सहयोग करी आसुछ जंगल रो गच लगावार भी आम सहयोग अच्छे आम समस्त परिवार नु समस्ते जाइकिरी जंगल सुरक्षा थी जोग देकिरी समाधान करुछ मैं इसको थोड़ा सा कर देता जी दिगंबर जी दोनों साथियों को एक बार नाम और बताएंगे वापस से देवानंद महालिंग पहले बताए जी नहीं सॉरी भारती पटेल दूसरा नाम भारती देवानंद और भारती पटेल भारती जी जो बोल रहे थे कि वो ही है कि मैंने महिलाओं का भी रोल बहुत ही अहम है ये जो जो मैंने आज जो हम लोग को मैंने मिला है ये रिजल्ट ये महिलाएं जो मैंने मेन जो ये हम लोग हाउसहोल्ड लेवल में उनका मेन काम होता है कि मैंने खाना बनाना और खाना बनाने में ज्यादातर मैंने लकड़ी का ही इस्तेमाल करता था 15-20 साल पहले तो उसको हम लोग स्टिक किए हैं और कुछ अल्टरनेटिव मैंने फ्यूल का जैसा व्यवस्था हुआ है। दूसरा हुआ कि जो वृक्ष रक्षा बंधन जो मैंने आपको दिखा रहा था कि वो चीज उनका एक इनोवेटिवनेस है जो कि वो लोग मैंने अपने आप ही मैंने पिछले 4 से करते आ रहे हैं और उसका जो रिजल्ट निकला है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आज जो रिजल्ट है कि 121.48 हेक्टर का ये जो हिल है करीब करीब 8 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका रेडियस जो है तो जहां पर 35 इयर्स पहले वहां पर मैंने गिने चुने ही कुछ पेड़ थे वो आपको मैं पहला स्लाइड में दिखा भी चुका था तो आज वहां पर 108 वेराइटी का प्लांट है 108 प्रकार का प्लांट है और सिर्फ प्लांट ही नहीं है हम लोग मैंने उसमें वाइल्ड लाइफ का भी मैंने प्रोटेक्शन के लिए काम किए हैं जिसमें
बहुत सारे जैसे वाइल्ड बोर हो गया, मंकीज हो गए, माने अरे खरगोश हो गए, तो ऐसा 35 वेराइटीज का वाइल्ड लाइफ हम लोग मैंने उसको डॉक्यूमेंट किए हैं। और जो गांव में एक तो जो माइक्रो प्लान जो बनता है, गांव का जो मैंने माइक्रो प्लान बनता है उसी में वो चीज मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं। और करीब करीब 26 वेराइटी का मैंने बहुत सारा सांप मैंने जो स्नेक्स होते हैं उसको भी मैंने लोग आइडेंटिफाई किए हैं। दूसरा चीज हुआ कि मैंने 38 वेराइटी का जड़ी बूटी जो होता है आयुर्वेदिक मेडिसिनल का जो प्लांट होता है वो भी आज जंगल में भरा पूरा है। और सबसे अहम बात है कि हर गांव में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन सागरपाली एक ऐसा गांव है जो कि अपने ही दम पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डे मनाते आ रहा है पिछले 28 साल से। हर साल दिसंबर 31 तारीख को वो लोग का गाँव का हर आदमी जो जहां भी रहे, दिल्ली मुंबई जहां भी रहे, जैसे हम लोग का वेस्टर्न उड़ीसा में एक कल्चर होता है नुआखाई का, तो उसी टाइप का एक कल्चर गांव में डेवलप किया गया है कि मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डे वो लोग मनाते हैं। और उस दिन गांव का जो भी आदमी जहां भी रहेगा वो आके एक जगह में इकट्ठा होते हैं और एक जगह में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर का प्लान करते हैं कि हम लोग कैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मनाए। सभी को धन्यवाद, और कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी आपने शेयर की, बहुत ही मोटिवेशनल। एक पूरी 25 साल से अधिक समय की जर्नी आपने बताई कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े, और आज जो 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 पहाड़ जिसमें एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे आज वहाँ हरा भरा पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने शेयर की। आपने ये भी शेयर किया कि कैसे आप 10th पास, जो 10th स्टैंडर्ड बच्चे पास करते हैं उनके बाद उनको अग्निशामक टीम में या फायर सुरक्षा टीम में जंगल सुरक्षा से जोड़ते हो और कैसे उनको मोटिवेट करते हो। ऐसे बहुत सारे विषयों पे आपने बात रखी, 1000 पाम ट्री लगाने से लेके वृक्ष रक्षाबंधन से लेके फॉरेस्ट स्पेसिफिक डे आप मनाते हैं, पूरी टीम आपकी तैयार करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे आपने अपनी पूरी जानकारी दी। एक सवाल हमारे क्यूए सेशन में आया है जिसमें आपने अगर देख रहे हो आप तो जी क्वेश्चन था उजाला स्कीम के लिए, तो आप अगर मेरा स्लाइड जाएंगे तो उसमें आपका आंसर है। अगर उसी स्लाइड में आप जाएंगे, मैं जिसमें प्रेजेंट किया था कि एक में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उजाला स्कीम में मैंने हाउस होल्ड लोग को मैंने गैस, और दूसरा में रिफिलिंग किया जा रहा है। तो जो भाई साहब क्वेश्चन किए हैं उनका भी वही आंसर था। तो मैंने खाली लिंकेज करना ही बड़ी बात नहीं है, वहां पर कंटिन्यूसली रिफिलिंग मैंने किया जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा योगदान है महिलाओं का, क्योंकि मैंने महिला एक चार्ट भी तैयार किए हैं कि हम लोग लकड़ी अगर कलेक्शन करते हैं तो कितना खर्चा आता है, और एक एलपीजी गैस अगर हम लोग मैंने यूज करता है तो उसमें कितना खर्चा है, जो कि लगभग गैस में हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट है। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर जी। सो हम सुशील जी का सवाल लेंगे अगला, उससे जस्ट पहले हम थोड़ा सा आपका जो हमारा पूरा डिस्कशन हुआ है उसका एक शॉर्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लेते हैं। सहना जी। या ओके, तो जैसे ही लाइक दिगंबर जी टुक अस थ्रू द एंटायर जर्नी ऑफ द सागरपाली इंस्टीट्यूशन, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली समराइज इट फॉर ऑल ऑफ यू। So the Sagarpalli community has been protecting their lands for over 25 years now. And he spoke about how they've come together to, they initially came together in 1956 to form a forest protection committee. And they instituted traditional indigenous systems such as Thengapalli, which is basically a watch and ward system to ensure that the resources are taken care of, are cared for and are protected. So that was a traditional system that they put in place. And they've been working, the community has been working with the forest department in the area as well as Sevak, the NGO that Digambarji is representing today, to conserve and protect their forest areas. And this effort that has gone on for so many years already has provided very, very fruitful results, which you might have seen in the presentation that the Gabbarji had showed us as well. There was a very, very clear before after photograph that he showed us of the region where you could see how degraded the area was many, many years ago, and how the results are very evident today in terms of how the community has been able to successfully revegetate and regenerate this patch of land. So just some highlights that he mentioned, him and the community members who joined us also mentioned these things, were that the basic area that
they've been protecting is over 100 acres. The revegetation efforts that they've undertaken has led to an increase in biodiversity, not just in terms of the faunal species, but also the floral species. So he was also mentioning how there are 108 different varieties of indigenous species available in this area right now. Many of them are also medicinal plants, which have a lot of important uses for the community there. And he was also talking about biodiversity, specifically with snakes, about how there are so many different varieties of snakes that they've been able to recognize and identify in this area over these years. And that is only because of the habitat being regenerated that they are available and present in the area again. Another very interesting thing that he mentioned was the cultural tie that the community has with their forest lands. So just like we practice Raksha Bandhan, where we show unity and fraternity with human beings to understand and to celebrate that bond, they have a similar practice in the community where they tie a rakhi to the trees to indicate that that is how closely connected they are with their natural resources, and they make an oath or take a promise to protect them, regenerate them, and keep them alive for years to come. So that was one cultural practice. And another thing that he mentioned was that the community in Sagarpalli has been celebrating a festival for the last 28 years, which is called Forest Protection Day, which they have initiated on their own, and they have been carrying it forward for the last 28 years. And he was also mentioning how, regardless of where the community members are during this time, even if they're out of the city, out of the village or in different cities, they all ensure that they come together and celebrate this festival together. So that was a very, very lovely thought to leave us with. Thank you so much, Digambarji. Over to you, Sandesh. Yes, thank you so much, Sahana ji. So after this, we'll take the question of Sushil ji. Sushil ji ka sawal hum le sakte hain. प्लीज सुशील जी को अलाउ करें. ओके, तो सुशील जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं. सुशील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इन्होंने जो सांपों के बारे में जो बताया ना, वो मुझे एक बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि इन सब चीजों तक भी इनकी नजर है, लोगों की नजर है कि ये सब चीजों को ध्यान देते हैं. बिल्कुल, वरना ज्यादातर जो फ्लोरा एंड फौना तक ही हम सीमित रह जाते हैं. लेकिन इनका जैसे कम्युनिटी ये सब चीजों पे ध्यान दे रही है, वो बहुत बड़ी बात है कि उनके ना प्रोटेक्ट कर रही है सिर्फ, बल्कि कंजर्वेशन में भी इनका बड़ा सपोर्ट रहा है, वो इम्पोर्टेंस समझ रही है उन सब चीजों को. ठीक है, थैंक यू दिगंबर जी. थैंक यू सुश्री जी. दिगंबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक पूरी भरी पूरी जानकारी हमसे शेयर की. और अब हम अपने अगले स्पीकर को बुलाते हैं. जो हमारे अगले स्पीकर हैं वो हैं चैन सिंह उइके जी. ये हैं चार गांव बिछिया मंडला मध्य प्रदेश से, और ये अपनी बात रखेंगे. ये इनका जो गांव और पंचायत चिरचिरी ग्राम पंचायत है, वो कान्हा नेशनल पार्क के बहुत पास में है. वहां कैसे इन्होंने अपनी कम्युनिटी के जो कॉमन लैंड है उसको रिक्लेम किया है, और कैसे चिरचिरी ग्राम पंचायत उस पे अपना आगे काम बढ़ा रही है, इस सब विषय पे हम उनसे बात करेंगे. तो स्वागत है, उनके साथ फैसिलिटेटर रमेश कुमार राम कुमार जी उपलब्ध हैं. चैन सिंह यूके जी का मैं स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि पटल पर मंच पर अपनी बात रखें. राम कुमार जी, राम कुमार जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है. तो आप शेयर कर सकते हैं अपना, चाहे तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं. जी जी
सर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा सॉरी, तो आप ऑडियो ही शेयर करते, वीडियो में ही शेयर करते रहिए अपनी बात। हाँ आ रहा, वीडियो आ रहा है। जी आपको देख पा रहे हैं हम, शेयर करें अपनी चर्चा, आपका प्रेजेंटेशन हमारे साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। सबको नमस्ते, मेरा नाम राम कुमार यादव, मैं एपीएस मंडला टीम से हूँ एमपी, जो अभी समुदाय के जो कम्युनिकेशन जो है उसको लेकर के हमारे जैन सिंह भैया हैं जो अभी प्रेजेंटेशन करेंगे, जो ग्राम छिछारी से हैं, तो जैन सिंह भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ। राम कुमार जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी और ऊर्जा से आए और जोर से आए तो अच्छा है, यहाँ थोड़ा स्लो आवाज आ रही है। हाँ सर अभी आवाज आ रही है। हाँ जी जी हाँ, तो एफईएस मंडला टीम से मैं राम कुमार यादव, जो अभी चैन सिंह भैया जो अपने ग्राम चरगांव से हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, तो चैन सिंह भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि चैन सिंह भैया अपना शुरुआत करें। आप सभी तो नमस्ते, मेरा नाम चैन सिंह उइके, मैं ग्राम छिछारी का रहने वाला हूँ। चैन सिंह जी थोड़ा सा पास आके बोले, थोड़ा सा जोर से बोले, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। जी सर थोड़ा पास आके बोले थोड़ा। जी आप सामने आ जाएं थोड़ा सा, थोड़ा जोर से बोले। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चैन सिंह उइके, मैं ग्राम छिछारी से हूँ और मैं ग्राम पर्यावरण समिति में सचिव के रूप में काम करता हूँ। ग्राम पंचायत चरगांव, पोस्ट टाटरी, तहसील बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी। सर जी मैं ग्राम छिछारी से, हमने ग्राम पर्यावरण समिति का जो गठन किया है 16/12/2016 में गठन हुई, जो हमारी कमेटी में 16 सदस्य हैं जो कि ग्राम पर्यावरण समिति का गठन जो ग्राम के सभी लोगों के समुदाय के बीच में हुआ। और इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पोषक ग्राम ग्राम उमरडीह में जो था, जो समिति पहले से जुड़ी हुई थी, राम कुमार जी उसको देखकर एनसी की, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट के लिए, आप चाहे तो अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लीजिए, एक्चुअली आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है और इको भी हो रहा है, शायद और किसी मोबाइल या सिस्टम से ज्वाइन किया होगा इसलिए भी हो सकता है, वो चेक कर लें और एक बार अपना जो कैमरा ऑफ करके फिर आप चाहे तो थोड़ा और ऊर्जा से अपनी बात रखें, बहुत स्लो आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। राम कुमार जी की आवाज ठीक आ रही थी। सर आवाज आ रही है, प्रेजेंटेशन यहाँ चलता रहेगा। जी बोलिए। एक पोषक ग्राम जो हमारे ग्राम पंचायत की पोषक ग्राम ग्राम उमरडीह में जो पहले से समिति ग्राम पर्यावरण समिति गठन किया था उनने, उनके उनको देख करके जो है हमारे ग्राम छिछारी ने निर्णय लिया कि समुदाय जमीन का कैसा रख रखाव करना है, इस तरीके से जो है गांव के बीच में ही यानी गांव के सभी ग्राम के सभी लोगों की मौजूदगी में यह हमने समिति गठन किया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमारे ग्राम में छिछारी में जो 16 हेक्टर की जमीन खाली पड़ी थी, 14 हेक्टर की, 14.64 हेक्टर का जो प्लांट है, उसमें हमने सबसे पहले ललटाना निकालने का काम किया जो भारी मात्रा में था, वहां जो जंगली जानवर
घुसकर फसल पर आक्रमण करते थे, और जो वन लघु अनुपज वनपद जो है वहां से नहीं मिल पाता था गांव के लोगों को। मवेशियों को घुसने में दिक्कत होती थी, चारा नहीं मिल पाता था। यह सब हमने एक गांव में निर्णय लेकर सबसे सर्वप्रथम ललताना हटाने का काम किया, फिर उसमें दूध फैलिंग का काम किया ताकि नई शाखाएं निकल के आए और उससे पौधा बढ़े करके। उसमें फिर सबसे पहले हमने ये भी किया जो आरी से काट के उसमें चूना का लीप लगाया जिससे उसमें फफूंदा ना लग पाए करके, इस प्रकार से काम किया। जो उसके बाद फिर हमने मेड़ बंदान FES के माध्यम से कराया, लगभग 50-52 हेक्टर मेड़ बंधान का काम किया, और उसी सार्वजनिक जमीन में जो हमारे 14.64 हेक्टर का प्लॉट है उसमें खेत तालाब भी बनाया, जिसमें से जो गांव के मवेशी जो चरते चारागाह के लिए जो चराई करते हैं उसमें, ताकि उनको वहां पानी उपलब्ध हो पाए और वहां पानी पी सके। सामुदायिक जमीन का एक कैनेस्टर मैप के माध्यम से देखा कि हमने हमारे गांव में 14.64 हेक्टर का प्लांट है। हमको पता नहीं था कि हमारे जमीन है, सार्वजनिक तो है पर उसमें निस्तार करते थे, बाकी पता ये नहीं था कि हमारा इसमें हम किस प्रकार से रख रखाव करें उसका, जो हमारे गांव के लिए आगे के लिए होगा। जो आज की डेट में एक टाइम का भोजन चारागाह के रूप में मवेशियों को मिल पा रहा है, जिससे गांव के लोगों को फायदा हुआ। हर्रा बहेरा तेंदू पत्ती भी अभी मिल पा रहा है गांव के लोगों को, जो लगभग उसके जो हमारे जो समिति गठित ना होने के पहले वहां कुछ भी नहीं, तकरीबन 15-20-25 हजार गड्डियां उपलब्ध हो पाती थी हमारे गांव में, जो आज के डेट में अभी कह दूं तो लगभग 1 लाख से ऊपर गड्डियां निकलती हैं। ये एक प्रकार से गांव के लोगों को फायदा मिल रहा है, और अभी आसानी से तेंदू पत्ता वहां से निकाल पा रहे हैं, और चार तेंदू पत्ता, चार बहेरा आदि भी मिल पा रहा है, और उसमें एक औषधि के रूप में जो आयुर्वेदिक जो वेद के द्वारा माध्यम से जिसको ज्यादा यानी कहना चाहिए उसको दवाई के रूप में जो जड़ी बूटी है जो मालूम हो पा रहा है, तो गांव के लोगों तक की वो औषधि के रूप में एक दवा कभी एक प्रकार से फायदा मिल रहा है। और हमने मैं एक और ये बताना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ जो हमारे उसा ग्राम में छिछारी में जो कि जो ललटाना से भरा हुआ था, जिसमें हमारे गांव के मवेशियों को एक चारा का कोई व्यवस्था नहीं था, उसके चलते हमने एक हमारे ग्राम में एक सामुदायिक प्लांट जो 25 हेक्टर का प्लांट अभी 2015 के माध्यम से जो लेटर मिला है जो पंचायत के थ्रू पंचायत के अधीनस्थ से, हमें जानकारी नहीं था कि हमारे पास एक और भी एक प्लांट है जो उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जंगल के जो वनरक्षक हैं वो उसमें घुसने नहीं देती थी, जो हमारे पास अभी जो गांव को एक सबूत के तौर पर जो हमारे हमको जो सार्वजनिक वन अधिकार के तहत वो लेटर मिला है, तब से अभी हमारे गांव के मवेशी जा पा रहे हैं, और हमारे गांव के जो आजू बाजू के जो हमारे ग्राम के अधीनस्थ क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं वो भी उस जगह से अभी
इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक प्रकार से सामुदायिक और एक गांव के लोगों को फायदा मिल रहा है। जो आज के डेट में कहना चाहूंगा मैं कि आज एक बहुत बड़ी एक माध्यम बनी जो एफईएस के तहत हमें गांव के लोगों को और हमारी समिति को फायदा में पहुंच रहा है। हाँ, आप चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैन सिंह जी ये जानकारी शेयर करने के लिए। जैसे आपने जानकारी में शेयर किया कि कैसे जैसे ही आपको सीएफआर क्लेम या सामुदायिक वन अधिकार का किससे जुड़ी जमीन के बारे में पता चला, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया। जो आपका उत्पादन का क्षमता थी या जो कहना चाहिए चारागाह से जो मवेशियों को या पशुधन को जो भोजन मिलना था एक टाइम पूरा उसी से अब पूरा हो जाता है। समिति के रख रखाव से और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। तेंदुपत्ता की उपलब्धता बढ़ गई है, उससे आजीविका में परिवर्तन आया है। लेंटिना को हटाने का निवारण का काम भी किया गया है जैसा आप बता रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर, जिससे कि चारागाह को और समृद्ध किया जा सके। वन रक्षक और विभाग के अधिकारी और वहाँ सभी साथी भी आपके सहयोगी हैं, ये भी आपने बात रखी, तो धन्यवाद पटल पर ये बात रखने के लिए। मैं जी राम कुमार जी अगर कुछ जो हमारे साथ फैसिलिटेटर हैं वो अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। राम कुमार जी। जी धन्यवाद चैन सिंह भैया को देना चाहूंगा जी। और जिस तरह से चैन सिंह भैया विस्तार से अपने गांव का सामुदायिक जमीन का रख रखाव कर रहे हैं उसमें बहुत ही मतलब गाँव का एक एकता में काम किए हैं और उसमें संगठित होकर के सामुदायिक जमीन को संरक्षित करने का उसमें बायलॉज बनाने का उसमें नियम कानून बनाने का जिस तरह से प्रयास अभी चल रहा है। तो इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से अन्य गांव में उनसे उनके करीबी गांव में ग्राम पर्यावरण समिति काम कर रही थी सामुदायिक जमीन को लेकर के जल जंगल जमीन को लेकर के, तो उस स्थिति को गाँव के लोगों ने चैन सिंह भैया लोगों ने जाके देखा और समझा कि उनको भी लगा कि हम भी इस तरह से ग्राम पर्यावरण समिति का गठन कर करके और हम हमारे गांव में भी सामुदायिक संपदा है जिसको रख रखाव कर सकें, तो उसको लेकर के प्रभावित होकर के जिस तरह से इन्होंने काम किया है बहुत सराहनीय काम किए हैं। और उसमें जिस तरह से समस्या भी आ रही थी कि गांव में अगर उन चारागाह को लेकर के मवेशियों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि जो छिछारी गांव है वो काना से लगा हुआ बफर गांव पड़ जाता है जिसमें ये है कि मवेशी को चराने के ले जाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से काफ़ी दिक्कत होता था। जो मतलब उनके पास एक सामुदायिक दावा का पत्र था उस 25 हेक्टर का जिसमें वो लोगों ने लेके जाना और हर पाड़ी पाड़ी से मतलब उस जो चरवाहे है वो कागज को लेके जाता जिससे कि वहाँ पर उनको अनुमति चराने को मिल पाता। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी प्रयास के चलते उनको लगा कि हमारे क्षेत्र में भी और कोई सामुदायिक जमीन है जिसको हम संरक्षित कर सकते हैं, तो उन्होंने मतलब कैडेस्टर मैप के माध्यम से उसको मार्किंग किया, उनको उनका समझ बैठे जिसके माध्यम से उन्होंने फिर मार्क करके उसका रखरखाव किया जो आज 14 हेक्टर जिस तरह से चैन सिंह भैया ने बोल रहे हैं उसका संरक्षित करके और उसमें अपना हर तरह का तेंदुपत्ता का बात कर रहे हैं, जड़ी जड़ी का बात कर रहे हैं, वहाँ पर लकड़ी का बात कर रहे हैं। तो इस तरह से NTFP जो है जिस तरह से बढ़ पा रहा है वो काफ़ी मतलब अभी अच्छा से वहाँ का रख रखाव नियम कानून के तहत में काम कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं इतना ही जोड़ना चाहूँगा। थैंक यू राम कुमार जी, बहुत आपने भी जानकारी को अच्छे से दर्शाया। अब मैं सहारा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसका थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें उपलब्ध कराएं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Hi. All right. So just to quickly summarize what Ram Kumar ji and Chain Singh ji were telling us. Chain Singh ji basically belongs to a village called Chargaon in Bichia in Madhya Pradesh.
and he was talking about how his village is closely located. The panchayat is located very close to the Kanha National Park, and over the years they had witnessed a lot of degradation and overutilization of resources. They were also mentioning how encroachment was a big problem. Tendu leaves were also being collected in an unregulated manner. Other resources were also being utilized without any rules and bylaws being followed. There were certain rules and norms, but there was a problem in terms of having everybody to abide by them. So what they did is they took stock of the situation, because at one point of time, the degradation had reached a very bad peak and they weren't able to sustain themselves moving forward. And so they decided to take stock of the situation and understand what was happening and what the challenge was exactly. They also mentioned how they visited neighboring panchayats and neighboring community institutions to understand how they are managing their natural resources. And these exposure visits helped them understand how different communities are working and building arrangements to be able to manage their resources. And based on that, they came back and sat down with their institution and mobilized the community to help generate awareness on why there is a need to come together and collectively understand and act on the situation. So the first thing that they did was to establish certain rules and bylaws and ensure that these are followed very strictly by the entire community. And them being in a forest area also meant that they were able to access certain legal provisions and claim legal rights over their resources, which they ensured that they were able to do very successfully. And to take that forward, to take that initiative forward, they've also put very specific rules in terms of extraction of resources or utilization of resources from their forest lands. In fact, they've been able to regenerate the tendu trees, which is a very big source of income for the people over here. That is basically what they've been doing all this while. And that was the experience that they shared with us as well. Thank you, Sandesh. Over to you. Thank you, Sahana ji. So, ye hamare teesre vakta the aur आज के पहले सेशन में जो अब आने वाले हैं वो हैं हेमंत कुमार चौधरी जी हैं। हेमंत कुमार चौधरी जी राजस्थान से हैं, अगड़ारा ग्राम से, और वो भी हमको एक बहुत ही रोचक और ऊर्जा भरी जानकारी और सच्ची घटना से जुड़ी कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि कैसे उन्होंने चारागाह को रिक्लेम किया और वापस से रिस्टोर किया। रिस्टोरिंग की अब हम एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं। उन्हीं के साथ हमारे पास उपलब्ध हैं डिंपल जी, जो इस कहानी को सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो आप दोनों का स्वागत है। मैं हेमंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जी धन्यवाद। मेरे साथ जी, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, या अभी आ रही? जी आ रही। ओके ओके सॉरी। मेरे साथ हेमंत चौधरी जी जुड़े हैं बाड़मेर से, अगदड़ा गांव से। मैं चाहूंगी, हेमंत जी के साथ हाकम सिंह जी भी हैं। मेरा निवेदन है कि आप अनम्यूट करें और अगर वीडियो थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं, बातचीत हो सकती है आगे। हेमंत जी, हाकम सिंह जी, प्लीज आप अनम्यूट करें। एक सेकंड, मैं कॉल करती हूँ थोड़ा सा। जी हेमंत जी हमारे साथ उपलब्ध हैं। हेमंत जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं।
जी हेमंत जी, हम आपको देख पा रहे हैं, आप अपना आप अनम्यूट कर सकते हैं और बात रख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं है। हेमंत आपकी जी, वीडियो दिख रही है। वीडियो दिख रहे हैं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करेंगे ना मोबाइल या सिस्टम जिससे जुड़े हैं वहां से अनम्यूट करिए, ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़िए। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आ रही है अब तक? आप स्क्रीन में मुझे दिख रहे हैं पर अनम्यूटेड नहीं है आप, सॉरी आपका ऑडियो नहीं आ रहा अभी, एक मिनट और वेट करते हैं, शायद वो प्रयास हाँ, करें। एक मिनट वेट करते हैं। और एक जी उनके द्वारा उनके इस पूरे इनिशिएटिव के बना हुआ एक यूट्यूब पे वीडियो भी है जिसको जी मैं टीम के पास है जो शेयर जी करेंगे। जी 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 ओके, तो हमारी टीम की तरफ से वो वीडियो शेयर किया जा रहा है। दीपल जी, ये पूरा वीडियो शेयर करना है किसी स्पेसिफिक मिनट तक शेयर करना नहीं, मैं चाहूंगी अभी हेमंत जी का ऑडियो भी ऑन हो गया है तो है? दीपल जी, पूरा वीडियो शेयर करना है डिस्कस या स्पेसिफिक किसी मिनट तक? नहीं, आप अभी स्टॉप कर सकते हैं। लिंक को हम चैट में भी शेयर कर सकते हैं, मतलब सबके साथ। हेमंत जी अवेलेबल हैं आप, राइट? हाँ हाँ जी, हेमंत जी, आप हकम जी 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 शुरू कर सकते हैं। हेमंत जी, आप अपनी जो पूरी कहानी है जो अकादरा की गांव समुदाय के साथ जुड़ के इतना अच्छा प्रयास किया है वो प्लीज शेयर करें सभी साथियों में। एक्चुअली हम गुड मॉर्निंग सभी, सबसे पहले आप सभी को जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। हाँ, मैं यहाँ से एक समाज की जनप्रतिनिधि के आधार पे मैंने इसको पहले सबसे पहले इसके काम करने को मैंने बीड़ा उठाया। हमारे सबसे पहले ये सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आवारा पशु थे तो उनको चारे की सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमें एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कुछ ना कुछ अलग करें जिससे लोगों को फायदा हो, हमारे आवारा पशुओं के चारे की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा 650 बीघा ओरन की जमीन अगदड़ा गांव के अंदर पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर कंटीली झाड़ियां और बहुत सारी कुछ आप बंजर समझ सकते हैं उस जमीन को।
इस स्थिति में थी, तो हम सभी गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर एक डिसाइड किया कि हम उसको किस तरह अपने अच्छे उपयोग के लिए काम में ले सकते हैं। तो लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जन सहयोग करेंगे, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास था नहीं तो कि हम इस इतने बड़े काम को कर सके। तो हमने सभी ने मिलकर जन सहयोग किया, जिससे जितना बन सके उतना पैसा इकट्ठा करके, और सभी ट्रैक्टरों को बुलाया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर में जन सहयोग करें और उसको पूरा कल्टीवेशन करके उसमें धामन के बीज को करें। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या ये आई कि अगर धामन का बीज हम व्यवस्था कहाँ से करें। हमने सबसे पहले जोधपुर काजरी से संपर्क किया, वहां को हमने सिर्फ 4 किलो ही मिला। फिर हमने टोंक से धामन घास मंगाया था 80 किलो। तो सबसे पहले हम पूरे खेत को यहाँ से जो ओरन की जमीन थी उसे कंटिन्यू जेसीबी से मशीन से सभी से झाड़ियों को सफाई करवा कर, उसके बाद में हमने पूरे ये कम से कम 40-50 ट्रैक्टर लगाकर उसको पूरी उसकी जुताई की। फिर उसके ऊपर हम धामन के बीज को हमने छाटा, छाटने के बाद उसको मिट्टी में एकदम ऊपर एडजस्ट करके उसको बोया, जिससे हमें शुरुआती में तो हमें लगा कि ये काफी समस्या और आवारा पशु उसको खाने, धीरे धीरे बारिश के कारण उसको मतलब जैसे है ना उसका उगाव बहुत अच्छा था, लेकिन बारिश होने के बाद आवारा पशु उसको खाने के लिए वो सबसे बड़ी समस्या आई। तो फिर हम लोगों ने जन सहयोग करके उसकी तारबंदी करवाई। तारबंदी करवाने के बाद हमने आवारा पशु के लिए दामन घास उगाया था, वो सबसे ज्यादा आज यहाँ पे फल फूल रहा है और इसमें जो 1 साल से ऊपर भी हो गया है और सबसे ज्यादा शानदार लहर आ रही है फसल, और आवारा पशु है सबसे ज्यादा है। जो हम जो बारिश के समय जो लोग खेती करते थे उसकी फसलों को ये आवारा पशु तारबंदी तोड़ के उनको नष्ट करते थे, तो उनका सबसे बड़ा एक तो सॉल्यूशन वो हो गया और हमने उनको पशुओं को उसके अंदर दामन घास के अंदर छोड़ दिया धीरे धीरे, और वहाँ के वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करवाई। तो ये गांव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, नहीं तो आवारा पशु यहाँ पे सबसे ज्यादा थे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होरन थी और उनको पशुओं को चराने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। तो हमारे लिए एक उपलब्धि है, आसपास के यहाँ एरिया में कहीं भी दामन घास नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती थी पानी की। अगर धामन घास को हमने चलो खेती कर दी है, लेकिन उसके बाद उसको पानी कहाँ से पिलाए। लेकिन शुक्र रहा भगवान का कि टाइम पे बारिश हो गई, अच्छा धामन घास भी हो गया। उसके बाद हमने एक ट्यूबवेल भी खुदाया है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में उसको अच्छी तरह से उसका संरक्षित करके सभी के लिए फायदेमंद हो। और कुछ यहाँ पे उससे ये फायदे हुआ, जैसे कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे, जो हमारे पास संरक्षित जमीन थी तो उसको रोकने के लिए हमने धामन का उपयोग किया यहाँ पे, तो वो हमारे लिए सक्सेस हुआ और अच्छे पैमाने पे हम यहाँ खड़े उतरे हैं। जी जी हेमंत जी, धन्यवाद हेमंत जी, आपने विस्तार में बात रखी अभी। थोड़ी सी और अगर विस्तार में आप जोड़ना, जो आपको प्रेरणा, मतलब क्यों ये कार्य शुरू किया, जो सबके सब इतने सारे गांव का ये सबसे बेहतर, सबके साथ ये जोड़ना चाहूंगी कि ये जो इनकी प्रयास है, ये श्रमदान से पूरा गांव इकट्ठा होके ये कार्य किया है, तो थोड़ा सा उस पे और हेमंत जी अगर जोड़ सकते हैं कि क्यों इसको करने की सोच आया इसके पीछे, और शायद आपके यहाँ सरपंच भी हैं आपके घर से माता जी, और उन सबको मिलके कैसे प्रयास को और आगे सोच विचार कहाँ से पहले आया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये विचार कहाँ से आया, ताकि उसको और दूसरे भी साथी आज सुन रहे हैं, दूसरे भी क्षेत्र के लोग, उनको भी इस तरीके से समुदाय के योगदान और श्रमदान से भी कार्य हो सकता है, ये एक सबको प्रेरणा मिलेगी। जी हेमंत जी, ये विचार तो हमारे पहले सबसे मन में बाईतु में एक हमने मीटिंग में डिसाइड किया था, सोच रहा था कि जो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा ओरण जमीन पड़ी हुई थी, तो हमने देखा कि इस ओरण का कोई उपयोग नहीं है, इसमें कंटीली झाड़ियां हैं, कोई खेती नहीं कर सकता ओरण के अंदर,
तो गवर्नमेंट की जमीन पड़ी तो हमने ये सोचा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। मोस्टली तो हमने सबने बैठ के डिसाइड किया, ग्रामीण के लोगों को हमने बुलाया, एक एक जो हर एरिया वाइज हर जाति से लोगों को बुलाया, उनसे पूछा हमने, सलाह मशवरा किया कि आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो अपना। तो सभी ने कहा कि बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, इस पे अपन कैसे पूरा करेंगे। तो सभी ने एक जन सहयोग की प्रेरणा जागी हमें, और पहले भी हमारा जो ग्राम है जन सहयोग में सबसे आगे रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो। पिछली बार हमने एक प्रोग्राम भी छेड़ा था कि हर घर पौधा लगाने के लिए, तो हमने विद्यालय के अंदर पिछली बार बहुत सारे पौधे भी बांटे थे, हर बच्चा अपने एक एक पौधे का संरक्षण करेगा। तो उस हिसाब से हमने एक और पहल जोड़ने के लिए हमने इस जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है गाय बैल है, जो आवारा पशु है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ बैल जो होता है उसको धीरे थोड़ा सा बड़ा होने के बाद लोग छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे इनकी क्या क्वांटिटी हमारे एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दूसरा, खेती करने के बाद ये जो आवारा पशु थे तो दूसरे के खेतों में घुसना, उनकी फसल को नष्ट करना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या थी ये। तो धीरे धीरे हमने ये डिसाइड करके एक फाइनल स्टेज पे पहुंचे कि हमको इसको धामन घास अगर बो दी जाए, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो एरिया है वहां पे धामन घास बहुत ज्यादा है, तो उससे हमें एक डिसाइड किया कि क्यों ना हम धामन घास को लगाएं। फिर हमने सभी लोगों से जो सभी के पास ग्रामीण इलाके के अंदर जो ट्रैक्टर थे उनको हमने बोला कि आप मैक्सिमम आप एक एक ट्रैक्टर का लाइए, जन सहयोग करिए, जिससे हमारे लिए इस काम को आगे बढ़ाने में हमें मदद हो। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और लोगों ने हर जिसके पास जो साधन था ट्रैक्टर का, कहीं पास वाले गांव में भी था, वो भी हमारा सहयोग करने के लिए आए, और हमने इस जेसीबी मशीन से पूरे एरिया को सफाई करवाकर जो धामन घास हुआ, धीरे धीरे लोगों ने जन सहयोग करके पैसा इकट्ठा करके तारबंदी भी करवाई। तारबंदी करवाने के बाद जो हमारे सामने जो इसका रिजल्ट आया धामन का, वो सभी के लिए सुखदायी रहा। और इस बार हमने जो जैसे ही फसल काटने का समय से एक महीना पहले, तो हमने पशुओं को धामन घास के अंदर छोड़ने से जो लोगों की फसल नष्ट करने के समय से थी, उसका 90% आप बोल सकते हो उसका समाधान हो गया। तो ये एक लोगों के लिए भी अच्छा संदेश गया, और हमने जो हमारे इससे जागरूकता से लोग पड़ोस के गांव में भी लोग जागरूक, और वो भी धामन घास उगाने के लिए उनके अंदर भी चेतना जागी। जी जी हेमंत जी, धन्यवाद। हेमंत जी, आपके साथ शायद पंचायत में काफी आसपास के गांव के भी साथी और आए हैं शायद, और जी आपकी पंचायत के भी कुछ जरूर जरूर जी, तो उनसे भी अगर कुछ महिलाएं भी बता सकती हैं कि किस तरीके से ये सब, क्योंकि ये भी भाग रही होंगी इस पूरे जो योगदान जन सहयोग था, तो आप कुछ और साथी आपके साथ जो बात कर सकते हैं बताना चाहेंगे? जी संगल ये बताओ। राम राम करो। राम राम। राम राम सा। राम सा। मत रहो। आप इनसे पूछिए। जी था भी अटे जयपुर जो आप लोग योगदान हो न ओरन रो देख रेख किया ना, जो पूरा इतना अच्छा धामन रो बीज लगायो, आप लोग भी वहां में गया था? हाँ। तो किसान की दो ये सोच किसान की दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये जो प्रेरणा मिले सभा ने प्रेरणा मिले था को इतना मजबूती काम की दो जो ना बढ़िया की नो साहब जी। तो किसान की दो आप बताओ थोड़ो सो, आप भी बताओ कीकर की हो गए सारा रो कीकर ठाई हुई सारे रो की धामन लगायो सा ट्रैक्टरों लान बीज असी नेव गला बायो सेवा किनी पौनी पायो गणी हगड़ो लागो है जोर रो धमन सेवा किनी साहब हैं जी गणी लागो है। आप इनसे भी पूछिए। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आप भी बताएं आप लोग का योगदान किस तरह का, युवा पीढ़ी कैसे जुड़ा इस पूरे प्रयास में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोटोज हम देख रहे थे, वीडियो भी देख रहे थे, युवा पीढ़ी बहुत जोर शोर से इसमें जुड़ा था, तो वो थोड़ा आप बताएं। आप इसमें मैडम हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्री हेमंत कुमार सियाग जी के नेतृत्व में पूरे पंचायत में इन्होंने सारे लोगों को जागरूक किया,
और सभी लोगों से अपील की कि अपने यहाँ सारागा के लिए उचित व्यवस्था है, इसलिए सभी मिल करके एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे कि अपने ये पशुधन के लिए ये सारे की व्यवस्था हो जाए यही। तब सारे लोगों ने ये मिलजुल करके ये सारा बीड़ा उठाया और इसमें सक्सेस भी हुई। जी धन्यवाद। और ये जो आप सबका इतना बड़ा बेड़ा उठाया और सब महिलाएं भी मैं देख रही हूँ काफी पीछे जुड़ी हुई हैं आपके साथ, अगर वीडियो कैमरा को उस तरफ भी अगर कर सकते हैं, और ये जो पूरा प्रयास था थाका सभा ने, और माँ को राम राम, माँ से राम राम सभा ने, और सभा ने मैं जानवा चाह रहे थे जो सब आप सब इकट्ठा हूं जदि चरागाह में गोचर में जो जी आप लोग धामन बीज लगाया अतना पूरा 40-45 कतना हेक्टरा मिलन आप लोग लगाया, तो थोड़ो से ये जो ओरन रो बचावा रो इतना अच्छा प्रयास किया आप लोग, ओरन आपको सबसे हिम्मत जी काम बड़ा है बढ़िया करवाया, मैं भी जोड़ो मन में है हिम्मत जी कुबेर का सर्कस बनाऊं। अच्छा अच्छा हिम्मत जी का पानी पानी हमारे गांव के पीस नहीं आते है, लोग हमारे को बोलते है कि पानी नहीं चालू करते है, मैं हिम्मत जी की मेडिकल में जा रुकूं पानी हाथों हाथ चालू कराऊं। जी जी और ये जो ओरन रो बात हो रही है ना, ताको ओरन के कोई गीत सुनवा चाह रहा, ताको गीत गीत सुना सको आप लोग, सभा मिलन अच्छा लगवा है, धामन बढ़िया है, बीच चरे गायो गांव की भूखी नहीं रहे, हाँ गांव की गायो भूखी नहीं रहे, गांव की गाया भी भूखी नहीं रहे, चारा भी मिल रहा है सभा ने, और सारी व्यवस्था सुधर रही है, आप सबका प्रयास था तो ये काम हो पाया, एकला तो की को हो नहीं पाता या तो ना बढ़िया लगायो काम जी। और आपका नाम क्या? हमारा काम नाम शायर देवी, शायर कुमारी, शायर कुमारी जी। तो शायर कुमारी जी आपके साथ जो और भी महिलाएं आए हैं, एक गीत सुना सको क्या राजस्थानी में? ना शायर गीत नहीं सुनाती, सनी महाराज का धूम करती। अच्छा अच्छा सनी महाराज का धूम, अच्छा अगर हो सके तो ठीक ठीक। आप दूजा ने पूछो, इन सभी महिलाओं का बड़ा सहयोग रहा है धामन का, आज के जो अभी बीज लगा था हाँ। तो हम बीज को इकट्ठा करने में इन महिलाओं का बहुत सभी महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि इन महिलाओं ने कम से कम 7-8 बार अपना कीमती समय निकाल कर इन्होंने सभी ने दामन घास के बीज को इकट्ठा किया है, तो क्या नेक्स्ट टाइम में अगर हम बीज को उपलब्ध करवा सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर पास वाली पंचायत में भी उनको चाहिए तो हम बीज उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि ये बीज बहुत कठिनाई से मिलता है, क्योंकि हमने भी समस्या आई थी यहाँ से जोधपुर तक हमें बीज नहीं मिला, फिर हमने टोंक से मिला मंगवाया था। आप मंगवाए? जी 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 हेमंत जी, बहुत अच्छा लगा ये प्रेरणा, बहुत मतलब सभी अभी बहुत सारे मतलब पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्र से सुन रहे हैं ये इसको ये जानने के लिए, ये प्रयास को समझ, क्योंकि योगदान से, ये नहीं कि हर समय हमें किसी योजना पे निर्भर होना चाहिए, नहीं हम इसमें कोई योजना हमारे इसमें लागू नहीं थी, ना तो हमने कोई पंचायत से सहयोग लिया है, ना किसी से सहयोग नहीं लिया, लोगों के अपने निजी संपत्ति आय से बोल सकते हैं जन सहयोग करके लोगों ने जितना अपने परिवार से हो सकता है उन्होंने उस इस पंचायत अंदर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी हेमंत जी, ये जो आज के समय में भी लोगों का श्रमदान योगदान, ये बहुत बड़ी सीख मिलती है आपके इस प्रयास से, अगदड़ा के पूरे समुदाय से प्रयास से। धन्यवाद हेमंत जी। और मैं चाह रही थी साना जी, साना अगर आप आप लोग इंग्लिश में शायद साना, इफ यू वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट, मैं साना जी से, और अगर एक गाना हो जाए हेमंत जी लास्ट में तो जरूर, वो आप भी जब तक वो इंग्लिश में कर रही हैं उसके बाद आप अगर उनसे बोल सकते हैं, महिलाएं अगर कुछ सुना सकती हैं, तो ये आज जो उत्सव का जो माहौल है वो, और तो मैं यहाँ का जो आप सुन सकते हैं फोक सॉन्ग बोलते हैं, फोक सॉन्ग अगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अभी ये जो महिला है गा के आपको सुनाएगी। धन्यवाद। ये महिलाएं हमारे राजस्थानी लोकगीत आपको सुनाएगी, जिसमें हमारे यहाँ इसको हरदस कहते हैं।
हाँ जो अभी आपको सुनाएगी ये महिला सामूहिक रूप, मतलब हरजस का मतलब, अर्जस, अर्जस का मतलब है भगवान के जस गान करना। जी धन्यवाद। छोटो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो मदन गोपाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल मक्खन चुराए मेरो मदन गोपाल मक्खन मेरो मदन गोपाल गली गली गैया गोरे गोरे ग्वाल गली गली गैया गोरे गोरे ग्वाल श्याम नरन मेरो मदन गोपाल श्याम नरन मेरो मदन गोपाल। जी जी इस प्रकार ये हमारी राजस्थान संस्कृति लोकगीत आप महिलाओं को सुनाए और सुनाए। जी धन्यवाद सर, हम लोग सबको कितने सारी तालियां और सब आ रहे हैं सब महिलाओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप धन्यवाद इतना अच्छा आज आपने कार्यक्रम अपना जो पूरा महोत्सव जो चल रहा और आज श्यामलात रो महोत्सव अपना समुदाय रो महोत्सव या में आपने गीत सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़वारों भी बहुत बहुत धन्यवाद। था को कुछ बोलना है आप बता भी सको कैसा ना अपना ओरन रो देख रहे क्या करो मुझे दो क्या भाई मैं सारा भाई होई कियो अगर बतावा चाह रहे हां ओके भाई सारा गम मैं सारा भाई होई नमस्ते मैडम नमस्ते राम राम सा बोल सको आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है बोलिए। हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने मौत घास हुआ है असुविधा की है हमारे सबसे में हमारे गाय भी सुरक्षित है गाय भी सुरक्षित है बैल भी सुरक्षित है वर्षा ऋतु में भी फसल जोरदार हो रही है हमारी स्त्रियों की भी सहायता है उसके साथ में हम मजदूरी करते हैं हमारा काम भी हो जाता है मजदूरी भी हो जाती है और सारा भी हो जाता है हमारे सबसे ने बहुत सहयोग किया है बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब हम लोग असाना वुड यू लाइक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच पीपल दी वुड यू लाइक टू गो अहेड एंड शेयर इंग्लिश ट्रांसलेशन समराइज इट इट वाज अ लाइक जी हां जी जी हेमंत जी मैं अब थोड़ा सा इनको सभी जो और साथी दूसरे भी जिलों राज्यों से जुड़े हैं उनको थोड़ा सा अंग्रेजी में मैं बताती हूँ और धन्यवाद हेमंत जी हकम जी आप लोग जुड़ पाए जुड़े रहिएगा अभी तो जी तो सॉरी आई विल जस्ट लाइक टू ट्रांसलेट इट फॉर द अदर पीपल हु जॉइन फ्रॉम द अदर रीजन इट वॉज इट्स वॉट हेमंत जी हैज शेयर्ड इट्स फ्रॉम राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इट वॉज अ प्रोसेस वेयर दे हैव टेकन अप द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन लाइक प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन थ्रू दैट्स एन इनोवेटिव थिंग इज दैट इट्स अ कम्युनिटी एंडेवर इट्स नॉट लाइक डिपेंडिंग ऑन द एंड इट्स स्टिल इट्स इट कैन हैपन that they have showed that way that it can be done till today also in these times where we all depend on government funds or from the external funds but they are doing it by themselves like all around 50 to 60 tractors because locally each of the families have their tractors around their panchayat in this village so all youth young school children all women men all have joined together and done that
in the last year they did a grass seeding in their Oran area because they don't have any pasture land. So they wanted to conserve, protect their Oran, which they did the grass seeding of, and someone asked for Dhaman. That Dhaman is actually in English, its scientific name is Cenchrus cineraria, which is locally grown in these western part of Rajasthan and in other areas in Rajasthan, it's locally species. So what they did, that seeding through grass, first of all, there was all a field of Prosopis juliflora, that is the invasive species, that removed it by voluntarily joining together. Then they did the grass seeding, plowed the area with the tractors and did the grass seeding. And that came up like in the other few photos you must have seen, and the video also, it was showing how that work was done. And so that's a great learning from them, from the Akdara village, that we learned that, yes, we can protect our pastures, our orans, our common land, and by community coming together. So that's the learning which we get from Hemant ji and their Akdara village learnings. Yeah, thank you. We'll request if there's any questions. Aap log prashn bhi pooch sakte hain. Hemant ji aur pure gaon ke log hain saath mein. ओके बहुत बहुत धन्यवाद डिपल जी, हेमंत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी सारे साथियों का बहुत धन्यवाद जो विशेष रूप से हमारे महिला साथी जो उपलब्ध हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, और ग्राम पंचायत के और भी साथी जो अपनी बात इस विषय पर रख पाए। मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक हैंड रेज हुआ है आकाश जी का। आकाश जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, एक बार आप कोई अब चाहें तो उसमें सवाल कर सकते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हम ये पूछना चाहते थे कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर उन्होंने जोधपुर या टोंक से बीज इकट्ठा करवाया, तो आगे जस आगे के साल के जब हम सोचते हैं तो क्या हम इसी चारागाह से बीज इकट्ठा करवा रहे हैं या आगे के साल में भी हम आउटसाइड से बीज लाना चाहते हैं? मतलब अभी बीज कितना यहाँ पे अवेलेबल है? हेमंत जी, हेमंत जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक ऑन करें। जी हाँ, आवाज आ रही है। जी, बीज हमने जो पिछली बार धामन घास पाया तो एक साल के अंदर ही उसके अंदर जो बीज लगने शुरू हो जाते हैं, तो एक उसका समय आता है जैसे कि बीज झड़ना शुरू होने लगता है, तो उसे हम 7-8 दिन या 1 वीक पहले हम उसको इकट्ठा करके उसको सेफ जगह पर रख देते हैं जिसमें वो सूख जाता है एक तरह से। तो उसी बीज को हम वापस, जो हमने अभी एक जो धमन लगाया था तो उसमें से हम लगभग आपको बता सकते हैं 80 kg के आसपास हमने धामन का बीज इकट्ठा कर लिया था। तो इस वर्ष आपने 80 kg लगभग इकट्ठा कर लिया है? जी, 80 kg के आसपास हमने धामन का बीज इकट्ठा कर लिया है। जितना हमने पिछली बार धामन का बीज उगाने के लिए यूज में लिया था उतना उतना हमने वापस उसको इकट्ठा कर लिया है। बहुत अच्छा। और अगले साल हम दोबारा उसके लिए और इकट्ठा करेंगे, तो ये प्रोसेस हमारे लिए धीरे धीरे आगे चलता रहेगा। बहुत अच्छा, इतना आकाशी शायद क्लियर हुआ। और किसी के कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा लगा कि एक गांव में जो प्रयास आपने शुरू किया फिर इकट्ठा कर रहे हैं और आगे के आगे गांव को भी आसपास के क्षेत्र में इसको और आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। डिपल जी, एक सवाल था जो शायद आपने आंसर किया भी है, एक बार रिपीट अगर आप कर दें कि धामन घास को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम अगर कुछ हो तो एक बार आप वापस बता दें। इंग्लिश नेम तो धामन है, मतलब बेसिकली उसका सेंक्रस सिनेरेरिया बोलते हैं, साइंटिफिक नेम सेंक्रस सिनेरेरिया, दैट्स अवेलेबल, इट्स लोकली कॉल्ड, सॉरी साइंटिफिकली नेम। एक और हैंड रेज हुआ है जानकी जी का, अगर जानकी जी अपना प्रश्न करना चाहते हैं वो उनके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू, धन्यवाद हेमंत जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी जब आपने धमन ग्रास ग्रो कर रहे हैं तो जो आपके सभी पशु है वो उस पे जो निर्भर है उनका पूरा क्या बोलते हैं, इज देयर नीड्स मेट विद दैट ग्रास?
जी, तो ये वो पूछ रही हैं कि क्या जो पशुधन आपके गांव में है, कितने पशुधन है, उनकी जरूरत इस जो आपने घास लगाया धामन उसे पूरा हो पा रहा है क्या जरूरत? जी हाँ जी बिल्कुल, ये हमने धामन जो लगाया है तो कम से कम मैक्सिमम एरिया में लगाया है, तो उसमें क्या है कि हमने एक एरिया निश्चित कर दिया है, एक आदमी रखा हुआ है, तो जो आधे हिस्से में उसको पशु को एक एरिया में चराते हैं और आधे हिस्से को हम सेफ रखते हैं, तो धीरे धीरे जो आधे हिस्से को खिलाया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उस आधे हिस्से को जिसमें हमने पहले उसको खाना घास खिलाई थी उसको हम छोड़ देते हैं, तो वापस उसमें शॉर्ट टाइम में उसमें वापस उस घास का ग्रो हो जाता है, तो हम धीरे धीरे उसको ये स्टेप बाय स्टेप इसको चेंज करते रहते हैं, तो इससे हमें कोई समस्या नहीं आती और पर्याप्त मात्रा में इसकी उपलब्धता रहती है। तो बेसिकली ही वाज शेयरिंग दैट दे आर आल्सो हैविंग अ रोटेशनल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ग्रेजिंग रोटेशनल या सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ रोटेशनल ग्रेजिंग दैट दे हैव क्रिएटेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ये धन्यवाद जानकी जी। और किसी साथी का कोई प्रश्न तो वो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करेंगे जैसे हम अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं। पी विजय कुमार, ओके पी विजय जी का प्रश्न है, पी विजय जी के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू संदेश जी एंड हेमंत जी और सभी फार्मर्स, जितने सारे लोग ये मीटिंग में हैं बहुत अच्छा से एक्सप्रेस किए हैं, हमको सीख भी मिला है। एक ही चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि कल्चरली इसके साथ और क्या क्या जुड़ाव होता है, मीन्स ये बीज तो डालते हैं और ये जो सांवला जो आपका ये सभी विलेज में प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ स्थिति में मिलके खाते हैं या कुछ आते हैं सब लोग, ऐसा कुछ कल्चरली लिंक है कि? जी 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 ये जानना चाह रहे थे हेमंत जी सभी से कि समुदाय जब शामला संगठित होके जब काम करे, तो आप लोगों ने एक चार अपने ओरन पे तो किया ही, इसी तरीके से क्या आपके गांव में और भी क्या शामला सब सामूहिक रूप में जुड़ के और क्या कहाँ पे किन मुद्दों पे या किस समय पे और किसी तरीके से आप इकट्ठा होते हैं क्या, वो भी जानना चाह रहे। क्या कभी आपके ये जल संसाधन के लिए क्या नियम बने हुए हैं आपके, ये वो हो सकते हैं गांव बाहर भी कुछ करते हैं क्या इस तरीके सामूहिक तौर पे, और क्या करते हैं वो जानना। सामूहिक तौर पे हम बहुत सारे, जब कोई जरूरतमंद होती है, जैसे लोगों के एक हमारा सिस्टम बना हुआ है, हम गांव के लोग सारे इकट्ठे होते हैं, तो कोई गांव के अंदर जो पर्सनली समस्या होती है लोगों की या पूरे लोगों के लिए जो एक मेन समस्या होती है, हम उस पे बात करते हैं। जैसे हमारे विद्यालय के अंदर जैसे भवन की कमी थी, तो गवर्नमेंट में उसका सिस्टम था कि 40% जो रुपीज हम जमा करवाएंगे तो 60% गवर्नमेंट देगी, तो लेकिन आज वो भी रकम बड़ी होती है, तो हमने एक बार डिसाइड किया, लोगों ने पूरे गांव के लोगों ने मिलकर और शिक्षा के जो क्षेत्र में लोग थे जो अध्यापक सभी उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा श्रमदान किया, जिससे हमने कम से कम विद्यालय के अंदर 10 हॉल बनवाए, नहीं 10 हॉल। उसके बाद हमारी बड़ी समस्या आती कि हर कोई व्यक्ति प्रिंसिपल हो एक साथ पूरे विद्यालय का ध्यान नहीं रख सकता, तो हमने विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का डिसाइड किया। तो विद्यालय के अंदर हमने पूरे जितने भी भवन थे सभी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिससे एक ही रूम से उसको सभी रूम के जो मॉनिटरिंग की जा सकती थी वो हमने करवाई, और विद्यालय के अंदर जन सहयोग से 3 स्मार्ट क्लासेस लगाए प्रोजेक्टर वाले। तो ये धीरे धीरे करके हमारे लिए शिक्षा के अंदर क्षेत्र में भी बढ़ावा आया, और जैसे जल की जो समस्या थी सबसे पहले तो हमने यहाँ पे तो ओपन वेल खुलवाए थे जन सहयोग से लोगों के, तो धीरे धीरे जन सहयोग में हमारा गांव पहले ही अग्रणी रहा, और बहुत सारे पास के गांव में वो भी आज हम जो धामन घास हमने उगाया है तो उसके लिए लोग आज बीज मांग रहे हैं हमसे कि आप हमें बीज दीजिए, हम भी उगाना चाहते हैं आपके जैसे धामन घास, तो उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है, जो हमने काम किया है तो उससे पास के गांव लोग
प्रेरणा ले रहे हैं, तो उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है और आगे भी काम अच्छे करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। इतना और परंपरागत जो आप लोगों के गांव में जो परंपरा सीखा है कि लोग एकजुट होके संगठित होके काम अपने जल संसाधन और चरागाह को जो सुरक्षित रखने, वो आज आप नई पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं और लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने की आपसे, आप लोगों के गांव से सीखने को मिल रहा है सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संदेश बहुत बहुत धन्यवाद डिंपल जी, हेमंत जी। पूरी इस पूरी व्रत विस्तारित चर्चा में मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई जो है जन सहयोग। आपने हर एक बात को जन सहयोग से जोड़ा और हर एक बड़ा मुद्दा, हर एक बड़ा विषय जो आपने पूरा किया, ये काम पूरा किया, वो जन सहयोग के बिना संभव नहीं था और वो आपने पूर्ण उसका प्रयोग किया, वो मुझे समझ आया अभी इस पूरी चर्चा में। जन सहयोग से ये होता है सर कि हम जो बड़ा काम कोई करना चाहते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बंदा कोई नहीं कर सकता उसको, लेकिन जो पूरी जनता इकट्ठी रहती है तो उसके ऊपर कोई भार नहीं रहता। बिल्कुल, तो लोगों का भी काम हो जाता है, सारे खुश भी रहते हैं। जी जी, ताकत आपने बताई बहुत जी अच्छा। जी बिल्कुल। टू मोर सुरेश जी हमारे साथ उपलब्ध हैं, सुरेश पटेल जी अपना प्रश्न करना चाहते हैं, उनके लिए अनम्यूट का अगर हम ऑप्शन देंगे तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। सुरेश जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी हाँ सर, नमस्कार, मैं सुरेश पटेल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। तो सर मैं ये जानना चाहता था, ये जो धामन घास होता है ये बकरी के लिए भी होता है कि गाय और भैंस के लिए? ये सभी पशुओं के लिए होता है, बकरी के लिए भी अच्छा है? जी सभी पशुओं के लिए। जी जी जी, यही क्वेश्चन था। ओके थैंक यू, थैंक यू हेमंत जी। ये बहुत ही सारे प्रश्न लगातार आते चले गए और बहुत महत्वपूर्ण सवाल सारे के सारे, चारागाह से जुड़े, घास से जुड़े हुए, उसकी वैरायटी से जुड़े, उसकी उसके नाम से जुड़े हुए। तो दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, हेमंत जी का धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ डिंपल जी का और इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी साथियों का। तो हमारे आज के सेशन का जो चारों जो स्टोरीज थी, चारों सच्ची कहानियां थी, वो आज हमने पूरी की हैं। अब मैं ये जो सेशन है वो ओपन ग्रुप डिस्कशन के लिए है। मैं सभी स्पीकर से हमारे अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें और अगर कोई इनिशिएट लेना चाहता है तो वो आज के जो कॉमन्स वाटर एंड लैंड्स का जो सब्जेक्ट है उस पर अपनी बात रख सकते हैं। ओवर टू द स्पीकर्स एंड द पैनलिस्ट। तो हमारे जो और साथी हैं जैसे भैरोलाल जी, दिगंबर जी और चैन सिंह जी, वो सभी, राम कुमार जी, वो सभी अपना वीडियो एक बार ऑन वापस से कर लें, हमारी इस आगे की चर्चा में वो सब भी अगर सामने दिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दिगंबर जी, भैरोलाल जी, राम कुमार जी, चैन सिंह उइके जी, अगर मैं आगे कर सकती हूँ शुरू अगर चाहे तो। जी जी बिल्कुल, मैं बस सबसे, मेरे ख्याल से सब भैरूलाल जी और दिगंबर जी जो सब उड़ीसा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सभी जगहों से जो सुना मैंने अभी आप लोगों से, और हेमंत जी आप, मैं चाहूंगी आप लोगों का अगर एक दूसरे के साथ प्रश्न है ना कुछ, तो वो हेमंत जी आप दूसरे साथियों का सुन पाए होंगे कुछ, और दूसरे साथी भी जो सुने हैं तो वो आप लोग भी प्रश्न पहले एक दूसरे से अगर कुछ जानना चाहे, प्रश्न मतलब कुछ और जानकारी के लिए, ताकि अपने अपने गांव में भी और ज्यादा मजबूत कर पाए हम और अपने क्षेत्र में सामलात के संरक्षण को, तो आप लोगों का किसी का प्रश्न है? दिगंबर जी या इधर आपके, हाँ भैरूलाल जी, चित्तौड़गढ़ से जो भैरूलाल जी जुड़े थे हमारे साथ, बेगू चित्तौड़गढ़ से, अमित उधर अगर है सत्य, हेमंत जी आपका भी कुछ प्रश्न है, कुछ और जानना चाहेंगे दूसरे भी साथियों से? और या आई थिंक दिगंबर जी ने भी हेमंत जी को पूरा सुना है, अगर दिगंबर जी का कोई प्रश्न है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ
एक किसी का हैंड्स रेस्ड है जी, हाँ किसी का, किसी ने अपना हैंड रेस भी किया। चंद्रिका प्रसाद साहू जी फ्रॉम द अटेंडीज। ओके चंद्रिका प्रसाद जी अपना प्रश्न कर सकते हैं। हेलो जी, हाँ मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जी, बताइए। हाँ सभी को नमस्कार, मैं सूरजपुर जिले से बोल रहा हूँ, मेरा नाम चंद्रिका साहू है। मैं ये जानना चाह रहा था क्या इसकी वीडियो हमको मिल पाएंगे क्या? हाँ जैसे दिगंबर जी ने जी 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 मिल जाएगा, मिल जाएगा, वो YouTube में है लाइव, वो मिल जाएगा जी। थैंक यू जी जी, थैंक यू। तो वापस हम दिगंबर जी, हेमंत जी के पास पहुंचते हैं। दिगंबर जी आपका, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं हेमंत जी से, या हेमंत जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं दिगंबर जी से, क्योंकि आप एक राजस्थान से हैं, एक उड़ीसा से हैं, कुछ प्रश्न आपके एक दूसरे से पूछ सकते हैं। जी मैं प्रश्न में है, उनका जो इंटरवेंशन है वो काफी माने अट्रैक्टिव था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो शेयर करेंगे हम, ताकि हम लोग इसको कार्य में भी। मेरी आवाज आ रही है? दिगंबर जी थोड़ा सा आवाज शायद कट रहा था, अगर दोबारा पूछ सक दोबारा अगर तो वीडियो शायद। ये हेमंत जी का जो था प्रेजेंटेशन वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो हम लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट। उनका जो थीम उसको थोड़ा सीखने के लिए, उनके डिटेल थोड़ा सा करने के लिए, ताकि ये हम लोग का, हम लोग को भी एक एक सोच मिले, एक मैंने एक गाइडेंस। जी जी दिगंबर जी, आप एक तो YouTube पे आपने देखा होगा लिंक, सॉरी हमने एक फिल्म अभी दिखा रही थी, हम लोगों ने शेयर किया, तो वो वापस से चैट में, अगर कम्युनिकेशन टीम कैन हेल्प वो वापस से एक बार चैट में दे। और आज का ये शेयरिंग पूरा रहेगा ही, YouTube पे आएगा। और अगर हेमंत जी अगर बातचीत आप लोग को करना है तो शायद फोन नंबर अगर आप चाहें तो एक दूसरे से चैट में फोन नंबर पे भी, फोन नंबर क्या हेमंत जी आपका फोन नंबर आप चाहें तो अगर ग्रुप में डाल सकते हैं। 8769 मैं टाइप कर रही हूँ, 8769 42 6585 थैंक यू, थैंक यू हेमंत जी। हेमंत ओके सो एक सवाल दोनों के लिए ही है, हेमंत जी के लिए भी है और दिगंबर जी के लिए भी है। जो प्रश्न आया है कि इस तरीके के प्रयास जो हम करते हैं, जिस तरीके का आप बता रहे हैं कि फॉरेस्ट को आपने रिस्टोर किया, पूरा ग्रीन किया, ग्रीन फॉरेस्ट तैयार कर दिया, लश ग्रीन, उस तरीके से हेमंत जी बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा घास का एक मैदान तैयार कर दिया और पशुधन के लिए उपयोगी रहा, तो ये इसको क्या हम आर्थिक से भी, आर्थिक लाभ से भी जोड़ सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न है क्या, क्या जो जुड़े हुए साथ ही उनको कोई आर्थिक लाभ भी होता है, इस बारे में कुछ अगर प्रकाश डालना चाहे। मैं इसको ज्यादा आर्थिक लाभ का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हर कोई जो पशुपालन करता है वो अपने खेत में इसकी अगर धामन घास को एक बीघा या तो एक हेक्टर के अंदर लगा देता है तो उनकी अधिकतर समस्याएं खत्म हो सकती है, क्योंकि पशुओं के लिए, क्योंकि चारा का सबसे बड़ा महत्व होता है, ये ग्रीन ग्रास होती है जो ज्यादा उपयोगी भी होती है। एक दिगंबर जी जो बातचीत रखे थे उनके प्रयास से, और हेमंत जी ने भी शायद बीच में बात रखी कि सुरक्षा का थोड़ा सा, हेमंत जी क्या आप लोग जो चारा लगाए हैं उरन में लगा है, लेकिन क्या उसकी आपने एक बार बात शायद रखी कि उसकी सुरक्षा, उसकी नियम व्यवस्था क्या बनाया है? ये दिगंबर जी ने भी कुछ बात रखी थी उनके यहाँ जंगल की भी जो देख रेख के लिए, वो सिस्टम थोड़ी सी बात बताएंगे कि? उसको सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि उसको तारबंदी की जाए, तारबंदी की जाए, तारबंदी के लिए हमने क्या किया, जनसहयोग वही सिस्टम फंड अपनाया, जनसहयोग ने हमने जो तारबंदी करवा दी, तारबंदी के अंदर हम पशु जो शुरुआत में दामन घास को लगाने के लिए उसको कम से कम एक साल का पीरियड चाहिए, क्योंकि वो बड़ी होने के बाद इतनी मजबूत हो जाती है कि वो जमीन से उखड़ती नहीं है, उसको कम से कम एक साल का समय चाहिए।
तो हमने उसको तारबंदी से उसको सुरक्षित किया, उसके बाद में हमने एक सिस्टम बना दिया, एक आदमी को उसके ऊपर रख दिया चौकीदारी। हाँ जी, हाँ चौकीदारी के लिए, जैसे कि उसकी देख रेख करना, वापस पशु को एक साइड में चरने के लिए डालना, उसके बाद दूसरे चरण में दूसरे साइड में उस पशुओं को चराना। तो जिसे क्या है कि जो पहले जो फसल खाई थी, तो धामन घास खाया था, तो सेकंड टाइम में उसका वापस ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो जब तक वो सेकंड फेज पूरा होता है तो वापस उसी फेज में ले आते हैं हम। जी धन्यवाद धन्यवाद हेमंत जी। यस दिगंबर जी, अगर कुछ कहना चाहते हैं। संदेश जी का जो था सवाल था पहले की, जो मान क्या बेनिफिट होता था, तो उसका मैं जवाब ये रखूंगा कि डायरेक्ट बेनिफिट तो कम ही होता है इसमें, लेकिन इनडायरेक्टली उनको जो मैंने बेनिफिट मिला है कि जैसे कि उनका एक आदत था कि वो लोग मैंने लकड़ी चोरी करेंगे और जाके मैंने बचेंगे, तो वो उसमें उनका इनकम होता, लेकिन वो डिग्निटी के उनका डिग्निटी के ऊपर वो ये रखता है, तो उसको हम लोग रिप्लेस किए कुछ लाइवलीहुड ऑप्शन में। जैसे कि मैं आपको मैंने बता रहा था कि मैंने उनका मैंने बहुत सारा जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जो स्टार्ट किए, तो वो उनको जो लकड़ी चोरी से ज्यादा फायदा दिया, और एक तो डिग्निटी भी दिया कि मैंने वो लोग अपना मैंने खुद के काम से जो मैंने आईडिए किए वो उनको मैंने बेनिफिट मिला। नंबर दो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो बोल रहे थे कि मैंने क्या रूल्स रेगुलेशन था, तो सबसे पहले हम लोग ने वहां पर स्टेशन को छोड़ के इनरेशन के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि तो उसके लिए हमने जो सबसे पहला नियम बनाए थे ग्रेजिंग बंद किए, ओपन ग्रेजिंग, दूसरा फॉरेस्ट फायर ट्री जोन, तो वो मेन फंड है कि आज बनाइए जो लॉस ग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा चीज की हम लोग एक एनालिसिस मैंने उन लोग के सामने पेश किए कि अगर हम लोग लकड़ी ला के खाना बनाते हैं तो उसमें अभी का डेट में करीब करीब 1500 रुपया खर्चा होता है एक महीना में, इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट, हम लोग डेली वेज को भूल जाते हैं, और हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर में, तो एक एलपीजी गैस एक फैमिली के लिए करीब करीब दिख जाता है, मैंने ऑप्शन है। जानकी जी का एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है, वो ये है कि क्या जो मिल्क की गुणवत्ता है, यानी जो हमारे को काउ मिल्क या बफेलो मिल्क मिलता है, वो घास यूज करने से, वो खाने से क्या मिल्क की क्वालिटी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सवाल है, या क्वांटिटी में? हेमंत जी, जी हेमंत जी, जी वो एकदम माइक बंद हो गया, हेमंत जी म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। जी जी हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है, अनम्यूट हो गया, वापस से म्यूट हो गया, हाँ अभी ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो ग्रीन घास खाते हैं उससे दूध में इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस उसके जो घी जो पैदावार होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। हेलो, जो विदाउट ग्रीन घास सूखा चारा खाने से जो घी का क्वालिटी है उसमें कलर में भी डिफरेंस आता है 100%। धन्यवाद। वापस भैरवलाल जी के साथ जो अमित जी हमारे साथी थे वो जुड़े हुए हैं वापस से, अगर अमित जी आप भी इस बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं अपनी, कि जैसे कुछ प्रश्न किए गए थे कि आर्थिक रूप से कुछ लाभ होता है क्या कॉमन्स को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में, या उस पर आपका कोई अगर इनपुट हो तो आप बता सकते हैं, कोई अगर बात अपनी रखना चाहते हैं आप तो। अमित जी जो सिस्टम है वो उसमें चारागाह जो है वो एक तरीके से हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो पूरा गांव का जो हमारा उससे क्या होता है कि वो पूरी सारी चीजें उससे इंटरकनेक्टेड है, जैसे पशुपालन जो है हमारे चारागाह से फूड आएगा तो पशुओं के लिए अच्छा चारा होगा, इसी तरीके से एग्रीकल्चर उस पर बेस्ड है, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके लिए जो पॉलिनेशन का काम होता है वो जो कीड़े होते हैं वो विशेष तौर पर वो कहाँ से आते हैं, वो चारागाह से आते हैं, इससे प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। तीसरा जो है हमारे जो चारागाह है जिसको हम कॉमन लैंड बोल रहे हैं वो एक तरीके से वाटर हाउस है, हमारा जो पानी कहाँ से आता है
पानी चारागाह क्या है हमारे लिए? एक तरीके से जब हमारा कोई घर में हम देखते हैं यदि छोटा कोई बर्तन या पानी जिसमें भरा हो ग्लास है इस तरीके का यदि गिर जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग पोंछा लगाते हैं, वो पूरा सोख लेता है वो पोंछा। इस तरीके से जितना भी वर्षा का जो पानी है वो जब आता है गाँव में या खेतों में या हमारे चारागाह में तो पूरा सोख लेता है और जो सोखता है वो फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है एक तरीके से। तो इस तरीके से कॉमन लैंड फिर हमारे जो छोटे छोटे पशुपालक हैं जैसे बकरी वाले हैं उनके लिए वो काम करता है, उसके लिए फूडिंग है, एनिमल के लिए फूड हाउस है वो। तो ऐसी सारी चीजें जो है एकदम से हमें दिखती नहीं है ये, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी पे लाइवलीहुड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। हमारे जो कॉमन्स हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है, हमें उसको कनेक्ट करके देखना होगा जब वो एकदम से समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, हम पास से निकल जाएंगे उनके लिए बंजर भूमि पड़ी हुई है ऐसे ही बोलते हैं कुछ लोग, ये बड़े पड़ी हुई है। जब उसको हम कनेक्ट करते हैं सारी चीजों से, पानी से, अपनी खेती से, अपने एनिमल से या जानवर से, तो वो उसका कनेक्शन हमें समझ में आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कहना चाहिए इनविजिबल कनेक्शन है जो तुरंत तुरंत तो साक्षात नहीं होते हैं पर आपको कनेक्ट करके देखना पड़ता है एक दूसरे रिसोर्सेज से और हमको क्या क्या अलग तरीके के लाभ मिल रहे हैं, भले वो प्रत्यक्ष रूप में आपको कहना चाहिए पैसे के रूप में साक्षात ना दिख रहा हो आपको प्रत्यक्ष रूप में, पर किसी ना किसी लाभ के रूप में आप जरूर देख सकते हैं उसको, जैसे हेमंत जी बता रहे थे और दिगंबर जी और सांसद भैरू लाल जी के साथ जो अमित जी हैं उन्होंने भी जानकारी दी हमको। ओके सो जब हमारे साथ अब जब हेमंत जी हैं और बाकी सब साथी हैं तो मेरा भी एक प्रश्न है और हमारी टीम का भी, वो हम पूछना चाह रहे थे कि हेमंत जी और दिगंबर जी जो हमारे साथी हैं और बाकी सभी लोग, कि इस पूरी प्रक्रिया को आप और आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको सस्टेन कैसे कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप सुरक्षा के लिए चारों तरफ उसके बाड़ लगा देते हैं, पर क्या इसको और बढ़ा रहे हैं और भी गांव वाले इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इस बारे में अगर कुछ बात रखना चाहें। वही दिगंबर जी से मेरा सवाल है कि अब आपने 28 ईयर्स से अधिक का समय पूरे क्या कहते हैं जंगल को एकदम ग्रीन फॉरेस्ट बनाने में लगाए हैं, क्या आगे भी ऐसी कोई योजना आपकी है उस विषय पे अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो। तो 28 ईयर्स का जो ये है ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने ये जो एरिया है ये मैं आपको मैंने बताया भी था कि माइनिंग एरिया से नजदीक है और दूसरा जो है ये एनएच के भी करीब, ये जो हम लोग का जो झारसुड़ा से जो रायगढ़ रोड है ठीक है नजदीक में, तो उसमें अभी भी चैलेंजेस है, तो उसको सस्टेन करने के लिए हम लोग एक जो कम्युनिटी का जो मतलब उसका जो सिस्टम है कम्युनिटी है टोटल फॉरेस्ट अभी कम्युनिटी मैनेज कर रहे हैं वो अपना सिस्टम से, और बड़ी बात है कि हम लोग इसको 30 प्लेज में इसको एक्सपांड किए हैं, ये जो थीम है तो हर गाँव में हिल नहीं है लेकिन फॉरेस्ट है तो उसको एक्सपांड किए हैं। मेनली जो मैं आपको बता रहा था कि एक जो बॉन्डिंग है ट्री और माने वुमेन के बीच में, ट्री और मैन के बीच में जो बॉन्डिंग, तो अभी सुंदरगढ़ में हम लोग सुंदरगढ़ ओडिशा में 38 में ये एक ट्रेडिशन बन गया है कि वो लोग राखी में आए, राखी में वो लोग करीब 100 से ज्यादा महिला एक गाँव में राखी, तो इसको हम लोग स्केल अप कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग रहे हैं और डिफरेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में, और मैं आपको साइकिल जो तो सर्कुलर बायो इकोनॉमी जो होता है कि खेती से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने तक, तो वही साइकिल को हम लोग उसको स्केल अप कर रहे हैं हमारे बहुत सारे गांव में। अभी हम लोग पहला टारगेट लिए हैं 100 विलेजेस और 100 विलेजेस में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ये जो सर्कुलर है उसको हम लोग मेंटेन करने का प्लान कर रहे हैं। धन्यवाद दिगंबर जी जानकारी के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये कार्य कहना चाहिए अंतहीन समय के साथ चलता रहता है और बढ़ता रहता है लगातार, और आई थिंक और कोई अगर हेमंत जी का अगर कोई इनपुट हो इसमें, हेमंत जी जैसे हमने चारागाह डेवलप किया है तो क्या और उसको अपने आसपास के गांव में बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या ऐसा कुछ उनका प्लान हो?
जी 100% हमारे पास जो हमारे गांव के अंदर और भी जगह बची हुई है, तो हम उसमें भी चाहते हैं, उसको जगह को हमने इस बार चिन्हित कर लिया है। हमारा मोस्टली क्या है, ये डिपेंड रहता है बारिश के ऊपर। हम यहाँ रेगिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ बारिश के अंदर जो बारिश होती है उस पर ही डिपेंड है। हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर का कोई सोर्स नहीं है, अगर वाटर है तो वो खारा है, साल्टी है पूरा, तो हम उसको यूज नहीं ले सकते। तो कहीं कहीं थोड़ी जगह है तो हमने वहां पे ट्यूबवेल करा है, तो वहां पे हमें पानी की अच्छी संभावना मिली, और ओपन वेल भी है तो हम उसका पानी यूज कर रहे हैं उसको मदद। लेकिन उस हिसाब से हमने एक जगह और भी चिन्हित की है, तो हम कम से कम 50 बीघा के अंदर उसको और धामन गौ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर धामन के अंदर पौधे भी लगा रहे हैं जो लाइनिंग वाइज, तो हम चाहते हैं कि छाया भी होगी, घास भी होगा, तो पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और हमारे पड़ोस के गांव में 2 विलेज और है, उन्होंने भी हमसे धामन का बीज मांगा है, वो भी हमारी तरह देख के उसको धामन को लगाने की कोशिश है। तो अच्छा है, धीरे 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 ये ऐसे कारवा बढ़ेगा तो धीरे हर काम में हमको सफलता मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। इस सेशन में जितनी भी जानकारी आपके थ्रू और बाकी हमारे स्पीकर्स दिगंबर जी, भैरव जी और चैन सिंह जी के थ्रू जो मिली, पूरी जो जानकारी थी बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई थी, कॉमन कॉमन वाटर कॉमन्स वाटर कॉमन्स एंड लैंड कॉमन से जुड़ी हुई। मैं सभी स्पीकर्स का धन्यवाद देता हूँ, सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूँ, हमारे जितने भी अटेंडीज हैं जो हमारे साथी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और पूरे विषय पे अपनी बात रख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबको आज पहले सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस डिजिटल कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ में मैं इसके बाद आगे जो सेशन होने वाला है हमारा सेकेंड सेशन, वो है लैंड एंड वाटर कॉमन्स का, जो 2 बजे से प्रारंभ होगा, 2 से 4 चलेगा। उस सेशन में भी इसी तरीके से कुछ विशेष और ऊर्जावान कहानियों के साथ नए स्पीकर्स हमारे जुड़ेंगे और वो सारे स्पीकर्स भी अपनी बात रखेंगे। तो हम उस सेशन में भी सभी से अनुरोध करेंगे कि आप इसी चैनल के माध्यम से फिर सेकेंड सेशन में जुड़ें और सभी साथी जो उपलब्ध हैं वो अपनी बात वहां भी पटल में रखें। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से सहाना जी, हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर्स और कम्युनिकेशन टीम के सभी साथी जो उपलब्ध हैं, उन सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और सभी को जोहार। हमारे नेक्स्ट सेशन में आप सब जुड़े इसकी अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं।